हरि तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री माता पितृ चरण कमले श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीता नाथ समारंभा श्री रामानंदारे मध्यमा अस्मदाचार पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसो सुखं श्रीराम हर्षण दे सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पञ्चगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासा मध्ये तु यानन्द तस्ये देव्ये नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं
जगत्स्थावर जंगम तां धेनु सिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम् भूतेर्महद्भिर् इमां प्रो विभुर् निर्मायशेते यदमूस पुरुषः भुङ्क्ते गुणाः षोडशषोडशात्मकः सौलङ्कृपीष्ट भगवान् वचांसि मे नर्मदायै नमो प्रातर नर्मदायै नमो नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वलंकार धारिणिम् सितभस्मलसद्देहम् सितवस्त्रम् महोज्ज्वलम् बोलिए नर्मदा मैया की श्री उमापति महादेव की हर हर नर्मदे हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे श्री राधे दो क्षण पहले अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए मंगलमय भगवान नाम कीर्तन कर लेते हैं। उसके पश्चात आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। आइए मीठी मीठी ताली सेवा के साथ भगवान नाम गुणगान कर लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
सभी गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। हमारी सेवकी जय हो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण सर्व संकट हरण सर्व मंगल करण चिदाधार केवलाधार मीरातार भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से भूत भावन देवादिदेव महादेव जिनकी ये वांग्मय शब्दमय भक्ति स्वरूपा श्री शिव महापुराण की कथा जो कि मां नर्मदा के तट पर हमें सुलभ हो रही है। सर्वप्रथम उपस्थित भक्तगण शक्ति व भक्ति स्वरूपा माताएं बहन वरिष्ठ जन आदरणीय जन सहयोगी जन परम स्नेही
श्री उपाध्याय परिवार के समस्त यजमान बंधुजन, इस शिव महापुराण के सप्त दिवसीय आयोजन का जिन्होंने विशुद्ध संकल्प लिया है, ऐसी भक्ति स्वरूपा श्रीमती मधु उपाध्याय जी, आपके सुपुत्र श्री सार्थक उपाध्याय जी एवं उपाध्याय परिवार के समस्त वैष्णव बंधुजन, भक्तिमयी माताएं और मां नर्मदा के सुंदर तट पर विराजमान समस्त श्रोता बंधुजन, मंचासीन हमारे प्रथम पूज्य वैष्णव बंधुजन आचार्यगण, कथा में संगीत सेवा प्रदान करने वाले हमारे गंधर्वगण संगीत मंडली, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस दिव्य आयोजन में जो लोग अपनी उपस्थिति और सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान की अतिशय कृपा है कि मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग हम सभी को शिव महापुराण की कथा के रूप में आज से सुलभ हो रहा है। कुछ अवसर जीवन में प्रेमियों ऐसे होते हैं जो रोज ही आते हैं, कुछ कुछ अवसर हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो महीना में एक बार आते हैं, कोई कोई अवसर ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो वर्ष में एक बार आते हैं, साल में एक बार, कोई कोई अवसर ऐसे होते हैं जो 10-20 सालों में एक बार आते हैं, पर कुछ कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल एक बार आते हैं। ऐसा ही सुंदर अवसर आपके जीवन में उपस्थित हुआ है। यहां मां नर्मदा के तट पर आज से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होनी है और प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश कर ही गए। इसमें अवसर यह है, सबसे पहला अवसर यह है कि मां नर्मदा के तट पर हम इस कथा को सुन पा रहे हैं। जरा दर्शन कीजिए, कितना सुंदर दृश्य है, इतना दिव्य दर्शन मां भगवती का हो रहा है कि नजर ही नहीं आपकी हटी हुई, आपको वहां से भले ही नहीं दिख रहा हूं, यहां से खूब सुंदर दिखता है। बोली नर्मदा मैया की। और अभी कुछ कथाओं से ऐसा संयोग बन रहा है दास का कि नर्मदा जी के तट पर ही सभी कथाएं निरंतर हो रही हैं। अभी सेठानी घाट पर हमने शिव महापुराण किया था, वो भी बिल्कुल तट पर, और सत्संग भवन में अभी पूज्य वृंदावन से महाराज जी पधारे थे, उसमें दास को यजमान बनने का अवसर मिला था, तो वो भी नर्मदा जी के तट पर, यहां भी नर्मदा जी के तट पे आज से श्री उपाध्याय परिवार के द्वारा, और आगामी जो 2-3 कथाएं वे भी सब नर्मदा जी के तट पे ही। पहला अवसर हमारे जीवन में यह है, अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हम सभी को मां नर्मदा के तट पर निवास मिला। दर्शनात भवेत पुण्यम। नर्मदा पुराण की कथा तो सुनी होगी ना आपने से कुछ लोगों ने, तो जानते होंगे कि नर्मदा पुराण अलग से कोई पुराण नहीं, स्कंद पुराण नाम का एक पुराण है सबसे बड़ा, और इसमें जो रेवा खंड है वही रेवा खंड नर्मदा पुराण है। सुन रहे हैं, बोलो जय श्री हरि। स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है वही नर्मदा पुराण है, और उसी रेवा खंड के जो अंतिम के 5 अध्याय हैं वही सत्यनारायण भगवान की कथा के 5 अध्याय हैं। उस स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन मिलता है कि दर्शनात भवेद पुण्य, इस कलिकाल में गंगा जी में स्नान करने का जो आपको फल मिलेगा, यमुना जी के जल को पीने का जो फल मिलेगा, वही फल आपको केवल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाएगा। दर्शनात भवेद पुण्य, केवल दर्शन मात्र। और मां नर्मदा ऐसी नदी है, नर्मदा बोल के देखिए एक बार, नर्मदा कहो, नर्मदा का अर्थ जानते हैं, नर्म माने सुख, दा माने देने वाली, इनके नाम का ही अर्थ है, सुख देने वाली अगर कोई है तो केवल नर्मदा। रामचरितमानस तक में कहा गया है शिवप्रिय मेकल सैल सुता, शंकर जी की सबसे प्रिय चीजों में अगर कोई है तो पहले मां नर्मदा।
पहला तो सुंदर संयोग बना हमारे जीवन में कि मां नर्मदा के तट पे सुंदर पुराण हो रहा है। आज कथा तो मैं कहूंगा ही, लेकिन पहले हम लोग इन सुंदर अवसरों की चर्चा कर लें। पहला सुंदर अवसर की मां नर्मदा का तट, और दूसरा पौष का महीना जिसको आप लोग पूस का महीना कहते हैं ना, इसका नाम है पौष का महीना, पूस का महीना भी कहते हैं। पूस के महीने में कोई शादी ब्याह नहीं होते, कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, यज्ञ आदि अनुष्ठान भी पूस के महीने में नहीं होते। लेकिन जानते हैं ये पूस के महीने का महत्व क्या है? मेरी तो आदत है जहां भी कथा होती है और जिस महीने में कथा कह रहा होता हूं पहले उस महीने का महत्व बता देते। हमारे सनातन धर्म में कितने महीने जानते हैं? 12। और इस वर्ष तो अधिक मास भी पड़ेगा पुरुषोत्तम माह, तो कितने हो गए? हाँ, 13। और 12 महीने के नाम भी इतने सुंदर हैं। आज घर जाकर के आपके यहां अगर पंचांग हो या कैलेंडर हो तो उसमें देखना कि पौष के महीने की जो पूर्णिमा पड़ेगी उस पर नक्षत्र कौन सा पड़ेगा, या किसी भी महीने का नक्षत्र देख लीजिए या उसकी पूर्णिमा पर पड़ने वाले नक्षत्र को छोटा सा लिखा होता कैलेंडर में और उस नक्षत्र को पढ़िए। जैसे किसी महीने में पूर्णिमा में कृतिका नक्षत्र पड़ जाए तो उस महीने का नाम हो जाता है कार्तिक। नक्षत्र से हमारे महीनों का नाम हो जाता है। अभी जो महीना प्रारंभ होने वाला है, आपका तो परम सौभाग्य है श्री उपाध्याय परिवार का कि आपको पौष का महीना भी मिल गया और इसी अनुष्ठान में दो दिन माघ के महीने के भी मिल जाएंगे। छठवें दिन उसका महत्व भी सुनाएंगे। जिस पूर्णिमा पर मघा नक्षत्र पड़ गया उस महीने का नाम हो गया माघ का महीना। जिस महीने में पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र पड़ गया तो महीने का नाम हो गया चैत्र का महीना। जिस महीने में श्रवण नक्षत्र पड़ गया पूर्णिमा पर तो नाम हो गया श्रावण का महीना। ऐसी 12 महीने, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन कार्तिक इत्यादि। ये जो पौष का महीना है जानते हैं इसका कितना महत्व है? अब तो निकल ही गया और कुछ दिन शेष है इसमें, 4 दिन। पौष का महीना जानते हैं कौन से भगवान का है? सूर्य नारायण भगवान। पूरे जगत को जो प्रकाश देते हैं, जो भगवान के नेत्र हैं, उन सूर्य नारायण भगवान का जो महीना है उसका नाम है पौष का महीना। इस महीने में सबसे अधिक फल है सूर्य नारायण की उपासना, क्योंकि पौष महीने के बाद ही मकर संक्रांति आती है, अभी जो 14-15 जनवरी को पड़ी। सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो महान पुण्य देने वाले हो जाते हैं। हमारे सनातन ग्रंथों में ध्यान सुनिएगा, हमारे सनातन ग्रंथों में सूर्य नारायण भगवान के विषय में लिखा है, इतिहास में जब से युग प्रारंभ हुआ, जब से ब्रह्मांड बना, तब से लेकर आज तक केवल 3 ही चीजें नहीं बदली, बाकी सब बदलता रहा। कौन कौन? कैलाश जी, बोलना नहीं पड़ेगा, बोलो जय श्री हरि। सबसे पहली चीज है, 3 भगवान ऐसे हैं जो आज तक नहीं बदले। सबसे पहली भगवान है गौ माता, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के समय जैसी थी अभी भी वैसी, पहले भगवान। दूसरे भगवान हैं हमारे माता पिता। राम जी भी माता पिता की सेवा करते थे, ठाकुर जी भी करते थे, और आज भी माता पिता की सेवा का उतना ही महत्व है जो उन युगों में। ये 2 भगवान। और तीसरे भगवान है सूर्य नारायण भगवान, जो प्रत्येक युग में जैसे दिखते थे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और इस कलयुग में सूर्य की आराधना का तो इतना महत्व बताया गया है, ये पौष का महीना है ही उनके लिए। शायद कुछ माताएं या कुछ सज्जन ऐसे हों यहां पर जो लोग पौष के रविवार का व्रत करते हैं, पूछ के रविवार रखते हैं ना। कल श्री बहन जी हमसे कह रहे थे कि एक 2 लोग कह रहे थे आज तो रविवार है और आप लोगों ने आज कलश यात्रा कर ली भागवत की। बोलो जय श्री हरि। हाँ, पौष महीने के रविवार को पुरुषोत्तम महा का गुरुवार के समान बताया गया है। पुरुषोत्तम महा भगवान पुरुषोत्तम नारायण का है,
और गुरुवार दिन उनका है। पौष के रविवार का जो मनुष्य व्रत करता है या उस दिन कोई भी आराधना पूजन करता है तो उसको तीन वर्ष में एक बार पढ़ने वाले पुरुषोत्तम माह में विशेषकर गुरुवार के दिन नारायण भगवान के पूजन का फल प्राप्त होता है। ए दिन में कोई दोष नहीं, कोई दिन में दोष नहीं, कोई दिन बुरा नहीं है, दोष तो केवल मनुष्य में है। और भगवान का कार्य वो तो आप कभी कर लीजिए। पौष के रविवार में भगवान सूर्य नारायण के लिए अलौना व्रत किया जाता है। कुछ लोग करते होंगे, चार रविवार पढ़े चाहे पांच पढ़े, अलौना व्रत करना चाहिए। और सूर्य नारायण में कितना सामर्थ्य है तो महाभारत ग्रंथ में धौम्य ऋषि ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा। धौम्य ऋषि ने कहा है सूर्य नारायण भगवान के विषय में कि इस दुनिया में अगर किसी मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो तो केवल और केवल सूर्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे, उसे अन्य किसी देवी देवता के हाथ नहीं जोड़ने पड़ेगा, ऐसा सामर्थ्य है सूर्य नारायण। धौम्य ऋषि ने महाभारत में सूर्य नारायण भगवान के 108 नाम कहे, और विशेषकर विद्यार्थियों को तो ये नाम रोज पढ़ना चाहिए। सूर्यो यमा भगत त्वष्टा पूषार्कः सवितार वि इत्यादि नाम। और सूर्य नारायण भगवान के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सको तो सबसे सरल काम है सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने लगी, बस प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, और उठकर के जब सूर्य नारायण भगवान उदय हो रहे हो, सूर्य के आने के पहले आपको आकाश में लालिमा दिखती है ना, लाल लाल आकाश, तो वो लालिमा कोई और नहीं, वे भगवान सूर्य नारायण के रथ के सारथी अरुण है। वो जो लालिमा है वो अरुण है, और अरुण आ गए हैं तो सूर्य आ ही जाएंगे। जब अरुण आ जाए तब आप अपने आसन पर खड़े हो जाना चाहिए। प्रातः के सूर्य के अर्घ का नियम है, ये नहीं कि हम 9 बजे उठे और एक लोटा जल चढ़ा दें, बोलो जय श्री हरि। हाँ नहीं, भले ही ठंड हो लेकिन यही तो तपस्या है, यही तो तप है कि अपने सुखों की चिंता ना करते हुए भगवान के लिए कुछ करना, यही तपस्या है। सूर्य नारायण को अर्घ कब दिया जाए कि जब अरुण दिख जाए, जब आकाश में लालिमा दिख जाए उस समय हम अपने आसन पर खड़े हो जाएं और उस समय जल का लोटा हमारे हाथ में हो, सूर्य के अर्घ की विधि है। जैसे आपके उठने बैठने नहाने धोने की विधि है ना, ऐसी भगवान के पूजन की विधि है। और यह जो पुराण आप करा रहे हैं यह पुराण है ही विधि निषेध का। अन्य पुराणों में तो कथानक है, कथाएं हैं, उत्सव भी हैं, ये सब भी इसमें है, लेकिन शिव पुराण क्यों है तो शिव पुराण है ही विधि और निषेध का पुराण कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। शिव पुराण है ही इसलिए। सूर्य के अर्घ की विधि अधिकतर लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए, उसी से प्रारंभ करो। सुबह सुबह सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है उसकी विधि यह है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना चाहिए और एक तांबे के बर्तन में जल ले लेना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान की ओर मुख करके खड़े हैं और इतना ऊपर अपने चेहरे के सामने उस कलश को उठाना चाहिए इतना। और प्रातः माने सुबह सुबह, सुबह 5-6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का जो अर्घ है ये प्रातः का अर्घ कहा गया है, सुबह का अर्घ कहा गया है। और सुबह का अर्घ खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे में जल लेकर 3 बार गिराकर अर्घ दिया जाता है। कितनी बार? 3। उसमें भी किस तरह हम खड़े हो तो ये बहुत पुस्तकों में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि जिस समय आप अर्घ दे रहे हो उस समय आपके सीधे पैर की एड़ी थोड़ी उठी हो, हल्की सी उठी हो, ब्राह्मण परिवार हो तो जानते हो, सीधे पैर की एड़ी थोड़ी उठी हो और खड़े होकर हम सूर्य को अर्घ दें, 1, 2 और 3। तीसरी बार में पूरा जल अर्पण कर दें, और इसके बाद जल ऐसी जगह अर्पण करना चाहिए जहां पर पैरों पर छींटे ना पड़े, या तो किसी ताम्रण में या तो किसी गमले में, यह उसकी विधि है। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को आप लोग मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं ऐसे, पर सूर्य नारायण को प्रणाम करने की विधि ऐसी नहीं। वो तो पौष का महीना है तो मैं सूर्य के विषय में थोड़ा विस्तार से कह रहा हूं। सूर्य नारायण भगवान को अगर प्रातः आप अर्घ दे रहे हैं सुबह 6 बजे से 12 बजे के मध्य, तो आपको सूर्य को ऐसा प्रणाम करना है,
जैसे पुस्तक खोलते हैं ऐसा छाती के पास हाथ रख के यूं यूं करके उनको प्रणाम करना चाहिए। यह कोई सूर्यनारायण का प्रणाम नहीं, शास्त्रों में जो विधि वर्णन है अगर ये विधि नहीं जानते और मन मुताबिक कोई विधि करते हैं तो ये विधि भगवान की प्राप्ति तो नहीं कराएगी। दोपहर में 12 बजे के बाद अर्घ दे रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, तो दोपहर का अर्घ खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक ही बार में लोटे से पूरा जल गिराया जाता है, ये दोपहर का अर्घ है। कौन सा मंत्र बोले? ब्राह्मण पुरुष है तो गायत्री मंत्र से अर्घ दे दे, नहीं तो ओम घणी सूर्याय नमः, माताएं हैं तो घणी सूर्याय नमः, या गुरु मंत्र से अर्घ दे दे। और दोपहर का प्रणाम सूर्यनारायण भगवान को करें तो दोनों हाथों को यूं उठाकर, जैसे हर हर महादेव करते, दोनों हाथों को यूं उठाकर इस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। और सायंकाल जब सूर्यनारायण भगवान अस्त हो रहे हों तो उस समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और बैठ करके लोटे से तीन बार जल किसी बर्तन में गिराना चाहिए ताम्रण में, और शाम का प्रणाम सूर्यनारायण भगवान को ऐसा करना चाहिए। अपने दोनों हाथ यूं बांध लीजिए और यूं रख के प्रणाम कर लीजिए। अगर कोई मनुष्य इतना ही करने लगे प्रेमी, केवल इतना करने लगे, तो भी सूर्यनारायण भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसको सब कुछ उसके जीवन में प्रदान कर देते। सूर्यनारायण भगवान की एक कथा आप लोगों ने भागवत तो सुनते रहते हैं ना, आप लोग भागवत में कथा सुनी होगी आप, सातवें दिन ये कथा आती है, ध्यान से सुनना कि द्वारका के पास सत्राजित नाम का एक राजा रहता था, भगवान श्री कृष्ण के ससुर। सत्राजित नाम का राजा रहता था, ये कुछ नहीं करता, बस सूर्यनारायण भगवान की आराधना, उनको एक दिन में तीन बार जल देना, उनकी उपासना करना, उनका पूजन करना। और सूर्यनारायण भगवान से इतना प्रसन्न हो गए कि सूर्यनारायण भगवान ने सत्राजित को एक मणि दे दी थी, कथा आप जानते हैं। और मणि ऐसी थी कि रोज सुबह सत्राजित उस मणि का पूजन करे तो 8 भार सोना वो देती थी। एक भार में 10 तोला होता तो 8 भार में आप देख ले कितना होगा, तो 8 भार सोना देती थी। तो माताएं कहेंगी इतना गोल्ड सूर्यनारायण है, स्वर्ण में जो चमक है ये चमक भी सूर्यनारायण भगवान के कारण है। ऐसे सूर्यनारायण भगवान ने सत्राजित को मणि दे दी और वो सत्राजित मणि का रोज पूजन करता था तो 8 भार सोना उगलती थी वो मणि, ऐसी मणि जिसका नाम था स्यांतक मणि, जानते हैं इस कथा। और फिर भगवान पर मिथ्या आरोप लग गया तो यहां क्षमा मांगने के लिए सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर दिया था श्री कृष्ण के साथ, इतर कथा है भागवत की। तो सूर्यनारायण के विषय में कह रहा था, ये जो महीना जिसमें आप कथा सुन रहे हैं पौष का महीना, ये सूर्यनारायण की आराधना का महीना। अभी भी 4-5 दिन शेष हैं, पूरा महीना नहीं कर पाए हो तो ये 3-4-5 दिन जो शेष बचे ना इसमें कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्यनारायण के आने के पहले जल का कलश हाथ में हो और उनको अर्घ 3 ही दिन दे दो आखिर, और पूरा वर्ष इनका प्रभाव देखिए। जिस मनुष्य के शरीर में खूब रोग होते हो ऐसे मनुष्य को सूर्यनारायण भगवान को अर्घ हल्दी मिलाकर देना चाहिए जल में। एक वर्ष में सूर्यनारायण भगवान उसके समस्त रोगों का हरण कर लेते। एक तो यह महत्व है पौष के महीने का, और दूसरा महत्व है कि इसी पूष के महीने को छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है। अगर कोई मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों की सेवा नहीं कर पाए तो पितृपक्ष में जो कार्य उसको करना चाहिए वह सब उससे अगर छूट जाए, किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो पौष के महीने में उसे कोई भी पुराण सुन लेना चाहिए, वह पुराण उसके पूर्वजों को ही प्राप्त होता है। पितृपक्ष या पौष का महीना कह, बहुत पुण्य है इस महीने का। पौष के महीने में मां नर्मदा के तट पर, पहला सुंदर अवसर की मां नर्मदा का तट और दूसरा पौष का महीना, और तीसरा सुंदर संयोग बना है प्रेमी हो कि हम लोगों को कथा कौन सी सुनने को मिल रही है, श्री शिव महापुराण की कथा। भागवत की कथा भी आप सुनते हैं, मुझे स्मरण है 4 वर्ष पहले मैंने श्रीमद् भागवत इस स्थान पर किया था। ये जो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है श्री साहू जी के द्वारा बनवाया गया, ये हमारे यजमान थे, और कथा के बाद ही अगले वर्ष शायद मंदिर बना था।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग सुनते हैं, राम कथा हम लोग सुनते हैं, देवी भागवत हम लोग सुनते हैं, नर्मदा पुराण हम लोग सुनते हैं, लेकिन शिव महापुराण ऐसा पुराण है, हम तो सुनते ही हैं, लेकिन एकलौता ऐसा पुराण है जिसकी कथा लक्ष्मी नारायण भगवान भी सुनते हैं। शंकर जी की महिमा को भगवान श्री नारायण भी सुनते हैं और उसी पुराण का नाम है शिव महापुराण। बहुत पुण्योदय हो जाए, कोटि जन्म समुत्थेना पुण्य नैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्मों तक पुण्य करिए, उसके बाद आपको भागवत की कथा सुनने को मिलेगा। ऐसा पहले दिन आपने भागवत में पढ़ा सुना है, लिखा भी है भागवत महात्म्य पहले अध्याय में, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होंगे तब जाके आपको एक बार 7 दिनों की भागवत सुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन भागवत को पूरी विधिवत आपने सुना और उसके बाद जो पुण्य उदय हो जाएंगे तब जीवन में एक बार शिव महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शंकर जी की सेवा इतनी शीघ्र प्राप्त नहीं होती। ध्यान से सुनिए, चूंकि नर्मदा जी का तट है और पुराण भी शिव महापुराण है, खूब ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण अन्य पुराणों से थोड़ा अलग, जिसमें भगवान की कथा अधिक है, इसमें विधि निषेध है। और मैं तो हर कथा में कहता हूं कि हर महीने में एक बार भागवत की कथा सुनना चाहिए, हर महीना में 7 दिन निकाल के भागवत की कथा सुनना ही चाहिए और हर वर्ष में एक बार समय निकालकर शिव महापुराण की कथा भी सुनना चाहिए। क्यों? आपका पूजन ठीक ठाक हो जाएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये सब आप जान जाएंगे, विधि निषेध जान जाएंगे। जिन पुराणों में लिखा है कि भगवान एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं और दिन रात अभिषेक पूजन कर रहे हैं तो हम पे प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? बोले जिस विधि को बताया गया है आप वो विधि जान ही नहीं पाए, और वही विधि हम जान जाएं उसके लिए है शिव महापुराण। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की सुंदर महिमा 24,000 श्लोकों में वर्णन की गई। वाल्मीकि रामायण में भी 24,000 श्लोक है जो राम जी की कथा है। बड़े आनंद की बात है कि राम जी की कथा में भी 24,000 श्लोक हैं और शिव जी की कथा में भी 24,000 श्लोक हैं। तत्वों की संख्या भी 24 है और गायत्री मंत्र में अक्षर भी 24 ही हैं। और एक दिन में जो हमें समय प्राप्त हुआ है घंटों के रूप में वो भी कितना है? 24 ही है। शिव महापुराण की कथा में प्रेमियों, आज हम लोग शिव महापुराण नहीं केवल शिव महापुराण की महिमा सुनेंगे। प्रत्येक पुराण में लिखा है, जितने भी पुराण आज तक आपने सुने कहे उन सभी पुराणों में पहले दिन उसकी महिमा सुनाई जाती है, जिसको कहते हैं महात्म्य। महात्मा को सरलता से अगर कहें तो महात्मा का अर्थ होता है महिमा। जैसे मुझको अभी प्यास लगे और मैं किन्हीं सज्जन से कहूं कि एक गिलास पानी ला दो, और आपने किसी बच्चे के हाथ हमको गिलास में पानी लेके भेजा, पानी लेके आया तो हमने पूछा बेटा इसमें क्या है, तो बालक कहेगा कि गुरुजी इसमें पानी है, इसको पीने से प्यास बुझ जाएगी, इसको खेत में डाल देंगे तो बीज में से अंकुरण हो जाएगा, गंदी जगह पर डाल देंगे तो जगह साफ हो जाएगी, दाल में डाल देंगे तो वो पाने लायक बन जाएगी, चावल में डाल देंगे तो खाने लायक भात बन जाएगी। तो हम कहेंगे बेटा हमने तो पीने के लिए पानी बुलाया था, ये सब क्या बता रहे हो? तो बच्चा कहेगा आपने पीने के लिए तो बुलाया था लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बता दी हैं ये पानी का महात्म्य है, ये उसकी महिमा है। ऐसे ही शिव महापुराण की जो कथा हम 7 दिन सुनने वाले हैं, पहले दिन केवल और केवल उसकी महिमा की चर्चा होगी कि शिव महापुराण की कथा को क्यों सुने, कैसे सुने और कब सुने, वही उसकी महिमा है। शिव महापुराण की कथा, इसके महात्म्य यह बताया गया कि कौन कौन लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के अधिकारी हैं, किस अवस्था में शिव महापुराण की कथा को सुन सकते हैं और शिव महापुराण की कथा सुनने का नियम क्या है।
आज महात्म है, आइए हम लोग शिव महापुराण में प्रवेश कर लेते हैं। यह कथा जब प्रारंभ नहीं हुई थी, ध्यान से सुनिएगा, जब यह कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, और यही नहीं, जब कोई भी कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, एक बार की बात है, आपने नाम सुना होगा, शौनक जी का नाम सुना है सभी ने, सुना भी है और पढ़ा भी है सभी ने। दुनिया भर की जितनी पोथियां हैं उनमें सबसे पहले जब आप उसे खोलते हैं तो पहले पन्ने पे ये लिखा रहता ना कि शौनक जी ने पूछा, है ना, शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एक बार इकट्ठे हुए और एक बार एकत्रित हुए तो पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे, पूरी पृथ्वी पर घूमे, सुंदर स्थान मिला नहीं तो ब्रह्मा जी के पास चले गए, ध्यान से सुनिए, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मा बाबा, हमको कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां पर हम लोग 1,000 साल का सत्संग कर सकें। कितना? 1,000 साल का। जैसे आप लोगों ने संकल्प लिया ना कि 7 दिन कथा सुनेंगे, ऐसे ही शौनक जी ने संकल्प लिया था कि 1,000 साल की कथा का आयोजन। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, सुंदर स्थान बता देते हैं, फिर क्या करोगे? बोले अगर आनंद आया तो 2-4-500 साल और बढ़ा भी लेंगे। तो ऐसी जगह बताना कि 1,000 साल के बाद कोई ये नहीं कहे कि अब अपना तंबू हटाओ, यहां से कार्यक्रम हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी कौन सी जगह होगी जहां इतना लंबा सत्संग हो जाए। ये भी बड़ी दुविधा है आज के समय में कि आपको चैन से भजन करने की जगह मिल जाए, क्योंकि घर में तो भजन होता नहीं, तो हम लोग नर्मदा तट पे आए हैं। जैसे बच्चे की पढ़ाई घर में नहीं होती तो कहां भेजते हैं? स्कूल। और स्कूल में भी नहीं हो पाती तो फिर ट्यूशन लगा देते। तो बीच बीच में ये जो अब ये जो स्कूल है, मंदिर हो गए, आयोजन हो गए, लेकिन बीच बीच में जो कथाएं होती ना, ये अपर ट्यूशन। शौनक जी ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी महाराज, ऐसी सुंदर जगह बताना जहां कोई शोरगुल ना हो, जहां कोई विक्षेप ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा सब लोग दूर हट जाओ, अभी मैं एक चक्र छोड़ने वाला हूं। और ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक मनोमय चक्र को उत्पन्न कर दिया। देखते ही देखते वो चक्र उत्पन्न हो गया, तीव्र गति से वो घूमने लगा, पूरे अंतरिक्ष में उसने भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद वो चक्र पृथ्वी पर आ गया। शौनक जी उस चक्र का पीछा कर पूरी पृथ्वी पर घूमा, फिर भारतवर्ष में आ गया। भारतवर्ष में जो उत्तर प्रदेश नाम का क्षेत्र है वहां चला गया, वहां सीतापुर नाम का जो जिला है वहां पहुंच गया, और वहां भी उसका घूमना नहीं रुका। ब्रह्मा जी ने कहा था हे शौनक जी महाराज, ये चक्र पृथ्वी पर जिस स्थान पर जाकर के रुक जाएगा वही श्रेष्ठ स्थान होगा, लेकिन ये चक्र रुक ही नहीं रहा। सीतापुर के पास एक सुंदर स्थान पर आया, और स्थान पर आकर के यह चक्र पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी से टकराने के बाद यह चक्र और तीव्र गति से घूमने लगा, और पृथ्वी में इसने छेद कर दिया। पृथ्वी के नीचे जो 7 पाताल हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, 7 पाताल हैं। इन 7 पाताल में से 6.5 पातालों का इसने छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, अगर 7वें पाताल में चले गए तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। चक्र रुक गया। जैसे ही वह चक्र रुका तो उसके चारों ओर जो अग्नि जल रही थी उसे कहते हैं निमी। वो निमी वहां पर शांत हो गई, और संस्कृत में शांत होने को कहते हैं शीर्ण होना, कहते हैं ना जीर्ण शीर्ण हो गया, रुक गया, शांत हो गया। तो चक्र की जो निमी शीर्ण हो गई उस जगह का नाम हो गया नैमी शारण्य। बोलिए नैमी शारण्य धाम की। ऐसे शौनक जी महाराज नैमी शारण्य धाम में बैठ गए एक स्थान पर, और ऋषिगण कितने थे? बोले 88,000 ये सब वहां बैठे हुए। इन्होंने देखा कि जगह की व्यवस्था तो हो गई कथा सुनने के लिए, श्रोता भी कोई 2-4-500 नहीं, 88,000 हैं कथा सुनने वाले। लेकिन एक संत महात्मा ने पूछा कि शौनक जी महाराज, जगह तो बहुत सुंदर है, 1,000 साल का सत्संग भी हो जाएगा, लेकिन कथा सुनाएगा कौन? क्यों? बोले अभी तक वक्ता आए ही नहीं है।
अरे बोले सारी व्यवस्था कर ली, लेकिन हम लोगों ने निश्चित ही नहीं किया कि महाराज वक्ता कौन है, कथा सुनाने वाले कौन है, क्या करें। तो बोले हाथ में चावल फूल लेकर के इन्होंने ध्यान किया है। जैसे ही ध्यान किया तो पास में ही कुछ झाड़ पेड़ लगे हुए थे, कुछ झुरमुट थे, उनमें तेज हलचल हुई, उन झुरमुटों में तेज हलचल हुई, उनके हिलने डुलने की आवाज आई। और देखते ही देखते सबके सामने 16 वर्ष का एक बालक सबके मध्य प्रकट हो गया, कमल के समान जिसके सुंदर नेत्र थे, गौर वर्ण था, लंबे लंबे घुटनों तक हाथ थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बगल में पोथी दबाए थे और मस्त चाल से चले आ रहे थे। शौनक जी ने पूछा कौन है कौन है, तो सबसे बूढ़े महात्मा ने चिल्लाया और कहा कि मैं इनको पहचान गया हूँ, ये सूत जी महाराज हैं। जैसे ही सूत जी महाराज का नाम सुना तो सभी ने जयकारा लगाया कि सूत जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज हैं? बोले हाँ। वे ही सूत जी महाराज आकर के सिंहासन पर बैठ गए, चबूतरा पर बैठ गए, व्यासों का तो आसन वही था। और केवल इनकी आयु थी 16 वर्ष। 16 वर्ष के ऐसे सूत जी महाराज आकर गद्दी पर विराजमान हुए। आज भी नैमी शरण जाइए तो वहां सूत गद्दी नाम की जगह है। देखो सूत जी की एक बड़ी सुंदर कथा आपको सुना है, ये सुनी नहीं होगी। सूत जी महाराज जो हैं, ये रोम हर्षण सूत जी महाराज के पुत्र उग्र शर्वा थे। आप लोगों ने जितनी कथाएं पढ़ी ना, 1600 वर्ष की हो, चाहे सत्यनारायण की हो, चाहे भागवत की हो, चाहे शिव पुराण की हो, यह सब उग्र शर्वा सूत जी ने सुना। इनका असली नाम था उग्र शर्वा और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था रोम हर्षण। वे रोम हर्षण जी एक बार कथा सुना रहे थे, ध्यान सुनना, वही नैमी शरण। और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाव जी आए, दाऊ दादा आए। दाऊ दादा ने देखा कि ये जो कथा सुना रहे हैं ये तो मुझे उठ के प्रणाम ही नहीं कर रहे, लेकिन ये कथावाचक की मर्यादा है कि कोई भी आ जाए, इस व्यासपीठ की मर्यादा है कि भगवान भी प्रकट हो जाएं तब भी व्यासपीठ छोड़ी नहीं जाती, कथा पूर्ण होने के बाद ही हटते हैं। रोम हर्षण जी जो पहले सूत जी थे, सबसे पहले वाले सूत जी, ये खड़े नहीं हुए। दाऊ दादा तो दाऊ दादा, दाऊ दादा शेष अवतार, इनको क्रोध आया तो इन्होंने जो चटाई लाए थे ना बैठने के साथ में कुशा, इसी को गोल मोड़ा और फेंक कर सूत जी महाराज को मारा, तो रोम हर्षण जी का वहां प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए, गादी पे से गिर पड़े। ऋषियों में शोर मच गया, दाऊ दादा आपने क्या करा, कथावाचक को ही मार डाला। ये रोम हर्षण जी थे, इनका नाम रोम हर्षण इसलिए पड़ा, रोम का अर्थ तो जानते हो, हमारे रूए रोम। जब भगवान की कथाएं कहते थे तो इनके रोंगटे खड़े रहते थे, हर्ष के मारे, प्रसन्नता के मारे एक एक रोम पुलकित हो जाता, तो इनका नाम ही पड़ गया रोम हर्षण। और रोम हर्षण जी गिर पड़े, मर गए, कथा कौन सुनाएगा। दाऊ दादा को बड़ा पश्चाताप लगा, तो उन्होंने कहा इनका कोई बेटा बेटा है क्या। बोले है ना, एक बेटा है जिसका नाम है उग्र शर्वा, उसको बुला ला। उग्र शर्वा जी को बुलाया, दाऊ दादा ने गद्दी पर बैठा ला, ससम्मान माला पहनाई, अभिषेक किया और वहां नैमी शरण की उस सूत गद्दी पर ये रोम हर्षण जी के पुत्र उग्र शर्वा बैठ गए और उन्हीं का नाम हो गया सूत जी। बोलिए सूत जी महाराज की। और कौन से दिन मारा था, तो बोले द्वादशी के दिन, बारस जिसको कहते हैं, द्वादशी के दिन सूत जी का वध हो गया था। इसलिए बारस के दिन, द्वादशी के दिन सब पुराणों को बंद रखा जाता है। हम जब पढ़ते थे, विद्यार्थी लोग जानते हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, कि द्वादशी के दिन पुराण नहीं पढ़ाया जाता, क्यों, उस दिन सूत जी का वध हो गया था। एकम अष्टमी और द्वादशी के दिन विद्यालय में छुट्टी होती है। ऐसे ही वे रोम हर्षण जी के पुत्र हुए उग्र शर्वा जी महाराज, और वे ही उग्र शर्वा आसन पर आकर बैठ गए, जिन्हें सूत जी महाराज लोग कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि सूत जी महाराज जाति के सूत थे, इसलिए सूत जी कहते हैं, तो आपका यह भ्रम भी मैं दूर कर दूं। यज्ञ की सूतिका से जिस बालक का जन्म हुआ था उनका नाम है सूत। यज्ञ की सूतिका होती है कपास की जो बनती है, बड़े बड़े यज्ञ होते थे पहले, उनकी जो विधि थी उसमें बनती थी, और उस यज्ञ की सूतिका से जिस बालक का जन्म हुआ था उनका नाम था सूत जी महाराज। वही सूत जी महाराज अपने आसन पर विराजमान हो गए और शौनक जी महाराज ने प्रणाम करा। और शिव महापुराण में लिखा है कि सूत जी महाराज की उम्र 16-17 साल थी, कितनी,
बोलो 16 साल। और शौनक जी की आयु जानते हैं? शौनक जी के साथ जो 88,000 ऋषिगण थे उनमें से एक एक ऋषि तो कुछ ऐसे थे जिनकी आयु थी 10,000 साल, कोई की आयु थी 20,000 साल, कोई की आयु थी 80 साल, कोई की आयु थी 1,000 साल, लेकिन कथा सुनाने वाली की आयु कितनी थी? 16 साल। हमारे सनातन धर्म में आयु का महत्व नहीं होता प्रेम, हमारे सनातन धर्म में तो केवल ज्ञान का महत्व होता। आप लोगों ने कहावत सुनी है ना कि कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। आज तक गया क्या? कभी भी कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। ये हमारे जगत में होता है, लेकिन कथा जगत में इसका उल्टा है। अगर आपके भीतर प्यास सच्ची है तो कुआं तो क्या महाराज, पूरा का पूरा समुद्र उठ के भी आपके पास आ जाएगा। देख लीजिए आसूत जी महाराज जो ज्ञान का समुद्र है, और वे समुद्र उठकर किन के पास आ गया? जिन्हें भगवान की कथा की प्यास लगी हुई है, वे सूत जी महाराज इनसे निवेदन करने लगे शौनक जी। और श्रीमद शिव महापुराण के प्रथम श्लोक में कहने लगे, आइए इसके प्रथम श्लोक को सुन लें। हे सूत महाप्रज्ञा सर्व सिद्धान वित प्रभो आख्या ही मे कथा सर्व पुराणाना विशेषतः। हे सूची महाराज, आपके घर अगर कोई जागरण करने आए, रात्रि जागरण होता ना भजन संध्या वाला, या कोई भजन गाने वाले आए, और वह पूरी तैयारी कर ले, लेकिन भजन गाने के पहले उसको कह दिया जाए आप बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं और वो वाला तो जरूर सुनाना, तो तारीफ सुन के वो दो भजन ज्यादा सुना जाएगा। ऐसे ही सूची महाराज जब बैठ गए तो ये बहुत अच्छी बात है कि श्रोता भी मीठा बोले, केवल वक्ता ही नहीं बोले, श्रोता भी निवेदन करे। तो यहां श्रोता निवेदन कर रहे हैं 88,000 ऋषिगण, हे सूत महाप्रज्ञा, हे सूची महाराज, हे महाप्रज्ञावान, आपका ज्ञान कितना ऊंचा है। आप तो पुराणों की विशेषज्ञ हैं, जैसे होते हैं ना डॉक्टर स्पेशलिस्ट, तो आप पुराणों की विशेषता रखते हैं। आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए और हमें कथा में सुनाइएगा। कथा तो हमने खूब सुनी आपके पिताजी के मुंह से, तो क्या सुनने के लिए बुलाए यहां पर भैया? नैमी शरण की भूमि में और क्या सुनना चाहते हो? तो यहां पर शौनक जी महाराज ने कहा हमें तो केवल कथा का सार सुनना। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई घटना को अगर वो बताते हैं तो पूरा पूरा बताते हैं, जरा जरा सी बात भी बताते हैं तो जिन लोगों को जल्दी होती है वो क्या कहते हैं, भैया सार की बात क्या, जल्दी बताओ आखिर में क्या हुआ ये बताओ। ऐसे इन्होंने कहा कि सूत जी महाराज इस कलिकाल में लोगों के पास समय कम है, इसलिए आप एक काम कीजिए हमको कथा का सार सुना दो, बस सार बात क्या थी, सार सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज मुस्कुराए और शौनक जी महाराज ने एक प्रश्न और किया, ऐसी कथा सुनाइएगा गुरुदेव जिससे मनुष्य का सदाचार बढ़ जाए, भगवान के प्रति उसकी प्रीति बढ़ जाए, ऐसी की कथा सुनाई। सूत जी महाराज ने सुंदर निवेदन किया, शौनक जी महाराज ने निवेदन किया और सूत जी महाराज पहले मुस्कुराए और कहने लगे शौनक जी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, हे शौनक जी इस मृत्युलोक में मनुष्य काल के मुंह में बैठा है। ये बात ज्यादा अच्छे से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 सालों से लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे यहां तो वे जानते हैं कि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में फर्क पड़ता है। प्रैक्टिकल करके बता दो तो जल्दी समझ आ जाती है। राम जी की कथा सुनने से इतनी जल्दी याद नहीं होगी जितनी जल्दी रामलीला देखकर याद हो जाएगी, हो जाएगी। ऐसे ही अभी ये 2 सालों से जो कोरोना काल चल रहा है, अभी ये तीसरे का भी जो नाटक चल रहा है, ये सब प्रैक्टिकल भगवान ने बताया, मनुष्यों को बता दिया
कि काल हमारे कितना निकट है, काल हमारे कितना निकट है। एक छोटा सा प्रश्न आपसे करूंगा और ऐसा उत्तर देना कि यहां तक आवाज आ जाए। मान लीजिए कहीं पर कोई एक बड़ा सा सांप बड़ा सा अजगर अपना मुंह खोले बैठा है और एक गौरैया कहीं से उड़ती आई और उसके मुंह में बैठ गई, बैठ गई। आपसे पूछा जाए कि वो गौरैया कितनी देर जिंदा रहेगी, बताइए। बोले जब तक उसका मुंह खुला है। बढ़िया, सही उत्तर। लेकिन आपसे पूछें कि सांप का मुंह कब तक खुला और वो अपना मुंह कब बंद कर लेगा, बोले वो तो कभी भी कर लेगा। ऐसे ही इस काल के मुख में, मृत्यु के मुख में हम सभी बैठे हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम सब वही गौरैया हैं, ना जाने अपना ये मुंह कब बंद कर लेगा और हम सभी सियावर रामचंद्र की जय हो जाएंगे। और इसी काल के भय से बचने के लिए आप लोग जो कथा सार सुनना चाहते हैं, उस कथा सार का नाम है भगवान शिव की कथा। क्योंकि जिस काल से तुम डर रहे हो, वो काल भी किन से डरता है? महाकाल से। कोई ऊपर सौ, कोई अगर शेर है तो उससे ऊंचा सवा शेर होना चाहिए, तो भोलेनाथ महाकाल है ना, वे महाकाल हैं, वे शिव हैं, जो प्रलय के देवता हैं। उन शिवजी की कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा जो समस्त पुराणों का सार है। और जन्मांतरे भवेद पुण्यम महदस्य सुधीमता, पूरे जीवन शिव पूजन का यही फल शिव पुराण में बताया। अपने पूरे जीवन में आज तक माताएं जो शंकर जी का पूजन करती रही हैं, आज तक जो पूजन आप कर रहे हैं, इसका पूरा फल शिव महापुराण में जानते हैं क्या लिखा है? शंकर जी के पूजन का असली फल, शंकर जी के पूजन का अंत तो गत्वा यही फल है कि आपने पूरा जीवन शिव जी का पूजन किया और आपको आपके जीवन में एक बार शिव जी की कथा सुनने को मिल जाए, ये शंकर जी के पूजन का फल आपको प्राप्त हो गया। शिव कथा के विषय में सूत जी महाराज कहने लगे, आज तो बड़ी सुंदर एक तिथि है, मैं इसके विषय में स्मरण नहीं रहा मुझे, एकादशी, आज एकादशी है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एकादशी यहां करते होंगे और बहुत से ऐसे मुझे नहीं भी करते होंगे। एकादशी के विषय में कहा गया है, ध्यान से सुन लीजिए, कि एकादशी का व्रत इस कलियुग में सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जितने भी व्रत बताए गए हैं, आप पूरा जीवन भर उन व्रतों को करते रहें, लेकिन एकादशी का व्रत अगर नहीं करते हैं तो आपको अपने उन व्रतों का पूरा पूरा फल नहीं मिलने वाला है। कौन से पुराण में लिखा जानते हैं? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, सभी पुराणों में एकादशी की महिमा बताई गई। और एकादशी के विषय में कहा गया कि कोई अगर व्रत आप नहीं कर पाए अपने जीवन में और केवल एकादशी का व्रत करते हैं तो अभी आपको सभी व्रतों का पूरा पूरा फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। एकादशी, आज एकादशी सुंदर तिथि है, पौष मास की। एकादशी की विधि लगभग सभी जानते ही हैं। एकादशी में क्या करना चाहिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, अर्चन पूजन वंदन करना चाहिए। एकादशी पे तो यह भी नियम है कि पूरी रात जागरण भी करना चाहिए, जैसे कल किया ना आपने हैप्पी न्यू ईयर मना के। हाँ वो ज्यादा सरल है, लेकिन एकादशी पे नहीं बनता। एकादशी की जागरण को कह दो आप, और ऐसे तो रात को 12 2 बजे तक नींद नहीं लगेगी, लेकिन जिस दिन शिवरात्रि होगी, तीजा होगी, तो 10:30 बजे से और 9-10 बजे से झोंका आने लगेगा। क्यों? बोलिए आपकी गलती नहीं प्रेम, ये कलयुग का प्रभाव है, ये इस कलिकाल का प्रभाव है कि भजन में बहुत जल्दी ये शरीर लगता नहीं। अगर जितने भी श्रोता यहाँ कथा सुन रहे हैं और सबके हाथ में एक माला दे दी जाए और कहें कि भैया अब आज तो कथा होगी नहीं माताओं और प्रेमियों, अब वहां की 3 घंटा माला जपना है, तो ऐसे तो मन कहीं जाएगा नहीं, लेकिन जब माला लेके बैठेंगे तो ना जाने कहां कहां की उड़ान हमारा मन भरेगा। क्यों? ये कथा किसी और के लिए नहीं, आपके शरीर की पुष्टता के लिए नहीं कि शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, कोई मनोकामना पूरी हो जाएगी, नहीं नहीं, भगवान की कथा तो केवल किस लिए? बोले हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा।
एतस्माद परम किंचन मना शुद्धेन विद्यते। पुराण में लिखा है कि यह जो पुराण हो रहा है ये केवल और केवल आपके मन की शुद्धि के लिए हो रहा है कि हे भगवान हमारा मन शुद्ध हो जाए, क्योंकि मन तो शुद्ध है नहीं तो फिर वो भगवान मिलेंगे कैसे। अपने मन की शुद्धि के लिए कथा सुनी जाती है, और जो कथा हमारे मन को शुद्ध कर दे उसका नाम है भगवान शिव की कथा। वे ही भगवान शंकर की सुंदर कथा को सुनाने लगे। और एकादशी पे तो आप कोई कार्य करें चाहे नहीं करें, बस एकादशी का व्रत कर लीजिए और केवल भगवान के किसी भी चरित्र को सुनने लगिए। एकादशी में जितने भी नियम बताए गए हैं अगर सारे नियमों को बता दिया जाए तो एक से भी एकादशी नहीं बने, ऐसे नियम है एकादशी के पूरे। लेकिन एकादशी में आप दो ही नियम बना लो, अन्न नहीं खाना है और दूसरा भगवान की कथा सुनना। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान की कथा को सुनता है उसे 1000 वर्षों तक निर्जला एकादशी करने का फल मिल जाता है। प्रत्येक एकादशी निर्जला करने। एकादशी के विषय में थोड़ी हम चर्चा कर लें, कई लोगों को बहुत संशय है मन में कि एकादशी का व्रत करें तो कब से करें। एकादशी का व्रत अगर कोई करना चाहे तो अगहन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष का महीना कहते हैं, जिस महीने में एकादशी उत्पन्न हुई है, जिसे कहा जाता है उत्पन्ना एकादशी, तो उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और अगर ये निकल गई हो तो फिर किसी एकादशी से कर लो, पर विधि उत्पन्ना एकादशी है। और उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत रखना चाहिए। किसको रखना चाहिए, कितनी उम्र वाले को शुरू करना चाहिए, कब तक, तो 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के वृद्ध को रखना चाहिए एकादशी। एकादशी कब तक रखें, बोले जब तक शरीर में सामर्थ्य हो, और उसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। किसी भी व्रत को, किसी भी उपवास को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, उसका उद्यापन करके उसको पूर्ण करना चाहिए। और अगर किसी के साथ चली गई है तो परिवार वालों को उसके लिए उसका उद्यापन कर देना चाहिए। एकादशी में आज शायद कोई माता जी हमसे कह रहे हैं, आप ही के यहाँ निवास में जब मैं सुबह वहां पहुंचा तो पूछने देंगी, कोई शांत हो जाता है, किसी का शरीर छूट जाता है तो उसके लिए एकादशी करते ना, 5 एकादशी 11 एकादशी, फिर उसके बाद क्या करें। तो लोगों के मन में भ्रम है कि इसके बाद फिर एक एक एकादशी छोड़ देते हैं और फिर करते हैं, ये कहां लिखा है बताना। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है, हर एक एकादशी अपना विशेष फल रखती है। किसी पुराण में नहीं लिखा है कि आप कहीं की एकादशी करो तो साल भर में एक एकादशी छोड़नी चाहिए, ये तो मन मुताबिक कुछ चीजें। इसलिए कहते हैं कथा सुनो, कथा केवल नाचना कूदना नहीं है माता और प्रेमी कि 3 घंटा की कथा होगी और व्यास जी 10-15 मिनट बाद कुछ गाएंगे तो फिर हम नाचेंगे, फिर झांकी लगेगी और फिर कुछ उत्साह होगा, फिर नाचेंगे कूदेंगे, 7 दिन भंडारा होके खत्म। नहीं, कथा माने आपको अगर ऊपर जाना है घाट से तो एक एक करके सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना। ऐसे ही भगवान के निकट पहुंचना है तो कथा सीढ़ियां हैं, और हर कथा के बाद आप एक स्टेप, एक सीढ़ी ऊपर बढ़ जाएं, ये कथा सुनने का मतलब, ये कथा सुनने का अर्थ। सही अर्थों में कथा क्या है, कथा माने जो भगवान की ओर हमको ले जाए। एकादशी के विषय में कहा गया कि कोई भी एकादशी जो वैष्णव मात्र है, जो भगवान के चरणों में खूब निष्ठा रखता है, तो उसकी सबसे पहला लक्षण है कि उसको एकादशी के प्रति खूब निष्ठा होनी चाहिए। एक वैष्णव की सबसे बड़ी निष्ठा है एकादशी निष्ठा, उसके बाद तुलसी निष्ठा, फिर गुरु निष्ठा, और चौथी है नाम निष्ठा। एक भी एकादशी छूट ना जाए, और अगर किसी की एकादशी भूलवश छूट जाए ना तो उसको द्वादशी का व्रत कर लेना चाहिए। द्वादशी का व्रत कर लो तो पूर्ति तो नहीं होगी लेकिन आपको दोष नहीं लगेगा कि एकादशी छूट गई। आज जैसे एकादशी है, कितना सुंदर संयोग बना, एकादशी है और इसी एकादशी पर आप भगवान शिव की कथा को सुनना प्रारंभ कर रहे हैं, वो भी नर्मदा जी के तट पर, वो भी पौष के महीने में शिव महापुराण की कथा। और सुबह सुबह आपने पार्थिवेश्वर का पूजन अभिषेक किया, ज्योतिर्लिंग का, 12 ज्योतिर्लिंग का आप पूजन कर रहे हैं, जिन ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से ही सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, यही श्लोक है ना, यही स्त्रोत है ना, कि 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण भी अगर सैकड़ों योजन दूर बैठकर कोई मनुष्य कर ले तो उसके अभी तक के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आप तो नित्य 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक ही कर रहे हैं 7 दिन में।
कुछ कुछ योग संयोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में प्रेमियों, जिनको हम निश्चित करते हैं कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये मनाना है। पर कुछ कुछ योग संयोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो भगवान ही हमारे लिए निश्चित करते हैं, हमारे जो भगवान शिव ने ही निश्चित करे हैं। ऐसा एक सुंदर संयोग बना है, आज सुंदर एकादशी, पौष माह की एकादशी, विशेषकर मकर संक्रांति के पूर्व पड़ने वाली यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष माह, अब तो पौष विश्राम होगा, समाप्त होगा। एकादशी की महिमा बताएगी कि किसी भी एकादशी को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि आपने किसी के लिए एकादशी करी है तो वह एक पांच एकादशी उनको अर्पण कर दीजिए और अगली वाली से अपना संकल्प लेके करिए। एकादशी का व्रत अगर कोई किसी को दे भी देता है तो भी उसका फल समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि एकादशी का फल किसी मात्रा में नहीं कि इतना बड़ा फल है तो उसमें से कुछ काट के अलग कर दिया तो कम हो गया। एकादशी का फल अनंत है और इस पृथ्वी पर एकादशी व्रत ही केवल ऐसा व्रत है कि अगर आपने पूरे नियम और निष्ठा से एकादशी का व्रत किया है तो अगली एकादशी आने के पहले ये वाली एकादशी अपना फल आपको प्रदान कर देगी। एकादशी का व्रत ऐसा शीघ्र फल देने वाला है, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, अन्न का सेवन करते हैं, तो वे लोग अपने पाप का ही सेवन करते हैं। एकादशी के दिन चावल खाने का निषेध है तो उसका कारण यह है कि एकादशी पर मेधा तिथि नाम के ऋषि धान से उत्पन्न हुए। धान तो जानो, धान से मेधा तिथि नाम के ऋषि उत्पन्न हुए थे, शिवपुराण में भी उनकी कथा। तो मेधा तिथि देवल देवर आता है भागवत में, मेधा तिथि देवल देवर आता है इत्यादि श्लोक कौन कौन भागवत सुनने आए थे। तो ऐसे मेधा ऋषि एकादशी के दिन धान में से उत्पन्न हुए, इसलिए एकादशी पर अगर चावल खाया जाता है तो मेधा ऋषि के मांस को खाने का दोष लगता है। भगवान के पूजन में भी एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता। आप लोगों ने काले तिल का उपयोग किया होगा ना। एकादशी के दिन अक्षत के स्थान पर काला तिल ले लेना चाहिए, तिल का उपयोग करना चाहिए। एकादशी पर रात्रि जागरण, पूरी रात नहीं जाग सको तो कम से कम 12 बजे तक जागना चाहिए और खूब संकीर्तन करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन के साथ साथ भगवान के सम्मुख अपने घर में दोनों हाथ उठा के नृत्य भी भगवान के लिए करना चाहिए। भगवान नारायण ने स्वयं कहा है, वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत वीक्षणम हसति क्वचिच्चः। हे प्रेमियों, बहुत ऊंची बात सुन लो, भगवान नारायण नारद जी से स्वयं कह रहे हैं, नारद मेरा ऐसा कोई भक्त जो मेरे भजन गाते गाते, जो मेरी कथा सुनाते सुनाते रोने लगता, उसका कंठ गदगद हो जाता, या ऐसा कोई श्रोता जो मेरी कथा सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ जाते, कभी अकेला बैठा हो तो मेरे चरित्रों को स्मरण करके हंसने लगता। जैसे पहला जी थे, अकेले ही बैठे बैठे हंसते रहते तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, ये हंस क्यों रहा है? बोले भगवान की कोई लीला याद आ गई होगी। सपने में कुछ लोग हंसते, छोटा बच्चा सपने में हंस रहा है तो हंसता है तो माँ बोलती कोई सपना देख रहा होगा, और सपने में क्या देख रहा होगा कि हंस रहा है? बोले उसकी कोई प्रिय चीज देख रहा होगा। तो भगवान कह रहे हैं वो तो सपने में हंसता है, लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति अकेले बैठा बैठा मेरी कोई लीला की वाक नहीं आ कि वो लीला और मुस्कुरा रहा है, ऐसा कोई भक्त, पहला तो वो जो मेरी कथा सुनते सुनते रोता है, दूसरा जो मुझे याद करके मुस्कुराता हंसता है, या फिर ऐसा कोई भक्त जो एकादशी के दिन मेरे मंदिर के सामने अपने दोनों हाथों को उठाकर दिव्य संकीर्तन करते हुए नृत्य करता है और विलज्ज उद्गायति नृत्य तेचा मद भक्ति युक्ताम भुवनम पुनाति। ऐसा कोई एक लौता भक्त अगर करोड़ों पापियों के बीच में भी बैठा रहे तो बैठते ही उन समस्त पापियों के पाप को नष्ट कर देता है। ये भगवान के भक्त की महिमा है। विलज्ज उद्गायति नृत्य तेचा मद भक्ति युक्ताम भुवनम पुनाति, ऐसा सूजी महाराज कह रहे हैं। और एकादशी की महिमा में कह रहा है भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रख के मेरा पूजन करता है, हे पार्वती, हे गिरजा, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और शिवजी का पूजन करता है, ऐसे मनुष्य का मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूं। आज सूत जी महाराज इस शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा सुना रहे हैं।
और तिथि भी बड़ी सुंदर एकादशी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सूजी महाराज ने कहा कोई मनुष्य तब तक ही पापी कहा जाएगा जब तक उसके कानों में भगवान शिव का नाम नहीं पड़ा। जैसे ही उसके कानों में भगवान शिव का एक बार नाम पड़ गया तो भैया फिर पापी तो नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि शंकर जी का नाम उसके कानों में पड़ गया। शिव महापुराण में शंकर जी की कथा के विषय में लिखा है प्रेमी, पहली बात तो शंकर जी को वैष्णवानाम यथाशंभो। कई लोग लड़ते हैं ना कि हम तो राम जी वाले, शंकर जी का पूजन क्यों करें, और हम तो शंकर जी वाले हैं तो हम तो भागवत सुनने जाएंगे, और हम तो आड़ा चंदन लगाते हैं तुम तो खड़ा चंदन लगाते हो, है ना। शंकर जी के लिए कहा गया जो लोग वैष्णव हैं उनकी पहचान है कि जो लंबा तिलक लगा। तो शंकर जी लगाते क्या लंबा तिलक? शंकर जी तो ऐसा लगाते। तो फिर शंकर जी को वैष्णवानाम यथाशंभु क्यों कहा गया? कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अगर वैष्णवों में कोई श्रेष्ठ है तो वो शंकर जी हैं। तो बोले ऐसे कैसे श्रेष्ठ हैं जो लंबा तिलक भी नहीं लगाते? शंकर जी को कभी तुलसी पहने देखा? शंकर जी क्या पहनते? रुद्राक्ष। तो फिर ऐसे कैसे वैष्णव है? तो शिव महापुराण में कहा गया कि भगवान शिव को, भोलेनाथ को वैष्णव इसलिए कहा गया कि वह अपने हृदय में उन राम कृष्ण नारायण को धारण किए रहते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े वैष्णव हैं भगवान शंकर। की वे जानते हैं त्रिपुंड को कभी देखिएगा, जो साधु महात्मा, पुराने साधु महात्मा, आजकल तो ऐसा चपटा लगाने लगे, बाकी त्रिपुंड ऐसा लगाया जाता है, ऐसा माथे पर, यहां इस चांद से यहां तक ऐसा थोड़ा सा चंद्राकार होता है त्रिपुंड को धारण करने की विधि। और राम जी कैसा तिलक धारण करते हैं? बोले लंबा। अब राम जी का तिलक आप देखेंगे जैसे ये लगाते हैं हम लोग वैष्णव लोग, तो वैष्णव तिलक को कहा ही जाता है। वैष्णव भी बैठे जानते हैं कि वैष्णव जब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो ये हो जाते हैं राम जी, ये हो जाते हैं लक्ष्मण जी, बीच में जो लाल है वो सीता जी, और नीचे सिंहासन हनुमान जी महाराज। तो राम जी तो ऐसा तिलक लगाते हैं, लेकिन गौर से इस तिलक को जब माताओं आप देखेंगे तो यह तिलक त्रिशूल के जैसा है। और त्रिशूल किनका अस्त्र है जी? बोलो। हाँ जानते तो है ना। अगर यहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर होंगे तो वो काय का बिल्ला लगाएंगे जी? कमल। और वो हाथ के पंजे वाली पार्टी के होंगे तो क्या लगाएंगे? उसका बिल्ला। तो जिस पार्टी के आप सपोर्टर होंगे उसके बिल्ला लगाएंगे ना। तो राम जी ने कहा कि हम तो शंकर जी की पार्टी वाले हैं तो बिल्ला माथे पे लगा। और शंकर जी बोले, शंकर जी ने जो अपने माथे पर त्रिपुंड इस प्रकार धारण किया है तो वो राम जी के धनुष की तरह है। धनुष को यूं कर दो तो ऐसा है। तो बोले शंकर जी ने उनके चिन्ह को धारण किया है। वैष्णवानाम यथासंभो, पूरे जगत में अगर वैष्णवों में कोई श्रेष्ठ है तो भोलेनाथ से बड़ा कोई वैष्णव है ही नहीं। और जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान श्री राम और शंकर जी में भेद करता है तो भगवान ने स्वयं कहा है कि ऐसा मनुष्य और ऐसा भक्त तो सपने में भी मुझे नहीं भाता जो शिव और राम में अंतर करता है। राम और शिव अलग नहीं है, भगवान नारायण और शिव जी अलग नहीं है। शिव पुराण में इतनी महिमा बताई गई है, बार बार एक दूसरे का स्तवन करते हैं, बार बार एक दूसरे का पूजन करते हैं। और एक तो ज्योतिर्लिंग का ही नाम है ना रामेश्वर, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम के दो अर्थ हैं, ये ही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसके दो अर्थ निकल आते हैं, बाकी सब केदारनाथ तो केदारनाथ, नागेश्वर तो नागेश्वर, बैद्यनाथ तो बैद्यनाथ। लेकिन रामेश्वर के दो अर्थ हैं कि राम जी के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर, या राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। कैसे भी हैं आप पूजिए। तो सूजी महाराज उनकी कथा सुनाने लगे और कहने लगे अमृत पीने वाला व्यक्ति अकेला अमर हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर अमृत को पी ले तो अकेला अमर हो जाएगा, लेकिन शिवजी की कथा को अगर कोई मनुष्य सुन लेता है तो उसका पूरा कुल ही अजर अमर हो जाता है, पूरे कुल को वो बालक तार देता है। श्री उपाध्याय जी से मैं एक बात कहूंगी, आप अपने परिवार में जो शिव महापुराण का संकल्प लेके कथा सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, जिस समय मनुष्य अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनने का संकल्प लेता है तो उस समय उसके जो पूर्वज है ना, जो पितृलोक में या स्वर्ग वगैरह कहीं भी हो, तस्वीर पे लोग लिखते थे ना स्वर्गीय, अब भले ही स्वर्ग नहीं गया लेकिन लिखते सब, पर हमारे उसमें स्वर्गीय कोई ज्यादा बढ़िया नहीं बताया जाता। स्वर्ग में कब तक है?
स्वर्ग में तब तक है बोले जब तक आपके पास पुण्य है और पुण्य खत्म होंगे तो वापस नीचे डाल दिए जाते हैं। तो स्वर्ग में अगर आपके पूर्वज हैं और उन्होंने देखा कि आप यहाँ शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं या हमारे कुल का कोई बेटा बेटी कोई नाती पोता शिव महापुराण की कथा का आयोजन को करा रहा है तो उस समय वो उस लोक में नाचने लगते हैं, खूब जोर बाजा बजा के नाचने लगते हैं। तो बाकी लोग पूछते हैं क्या हुआ नाच क्यों रहे हो, बोले हमारा 1000 साल और बढ़ गया यहाँ पर। तुम्हारा 1000 साल कैसे बढ़ गया, बोले पृथ्वी लोक में हमारे कुल का कोई बेटा बेटी या नाती पोता पूरे मन से शिव महापुराण की कथा सुन रहा है इसलिए हम यहाँ नाच रहे हैं। क्यों, बोले हमारा 1000 साल स्वर्ग में और बढ़ गया है। ऐसी शिव महापुराण की कथा, और सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः शिव महापुराण में लिखा है सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनो सुलभ न सोई राम कृपा बिनो सुलभ न सोई राम कृपा बिनो सुलभ न सोई राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही बिनु सत्संग विवेक ना हो। जीवन में विवेक होना बहुत जरूरी है। मैं सरलता से कहूं कि आपने मान लीजिए पूरा जीवन भर पैसा जोड़ा और 10 लाख रुपए की एक 4 पहिया की गाड़ी ले आए, ले आए 2-4 साथियों को भी लेके गए शोरूम से गाड़ी को बाहर निकाला बढ़िया उसका पूजन किया और उसका पूजन करने के बाद उसको बाहर ले आए लोगों ने आपको बधाई दी चाबी आपको सौंप दी गई चाबी आपको सौंप दी आप कार में बैठे शोरूम से थोड़ा दूर निकले और हाईवे पर पहुंच गए तो 40-50-60 की गति में गाड़ी चल रही है। आपस में हम गाड़ी में देखकर बात कर रहे हैं देखो उसमें ये फंक्शन है ये है गाड़ी में ऐसा वैसा और पहुंच गए खुली सड़क पर तो गाड़ी अब 100 की गति पर चल रही है 100 की स्पीड में वो कार चलने लगी। इतने में आपको फोन आ गया आपने मोबाइल उठाया आपने कहा हेलो कहां से तो बोले आप जहां से गाड़ी ले गए ना वहां से बोल रहे अच्छा आप गाड़ी में बैठे हैं क्या उसने पूछा शोरूम से हाँ बैठे हैं और बहुत देर हो गई बैठने चला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कहां तक पहुंच गए बोले 2-4-5 किलोमीटर दूर आ गए शोरूम से तो ज्यादा तेज तो नहीं चला रहे अब बोले तेज तो नहीं लेकिन 100 की गति तो तेज ही होती है बताओ क्या बात है बोले जो गाड़ी आप ले गए ना उसमें ब्रेक नहीं है हमारा हाँ हमारा भी यही उसूल है आज के समय में कलयुग में कि गाड़ी बहुत बढ़िया होनी चाहिए लाखों रुपए की और गाड़ी बहुत तेज भागना चाहिए लेकिन गाड़ी बनाने वाले गाड़ी को कब छोड़ते हैं बोले सब चेकिंग करने के बाद ब्रेक ब्रेक गियर वियर जो भी है सब बढ़िया रहे लेकिन हमारा तो नियम है ब्रेक वगैरह हो चाहे नहीं गाड़ी बहुत तेज दौड़नी चाहिए हमारा और बिना विवेक का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी की जैसा है आपको विवेक नहीं है तो आप बस अपने अनुसार चले जा रहे हैं जीवन में और इसी को कहते हैं मनमुखी भक्ति। हाँ आपके घाट पे भी मनमुखी भक्ति का एक स्वरूप है मैं कहूंगा तो मुझको बुरा लग जाएगा इसलिए तो 2-3 साल तक फिर मुझको आने नहीं देते यहाँ पे कथा करने क्यों क्योंकि पहले विवेक था बहुत बढ़िया आपने गाड़ी चलाई तो सबसे पहला मंदिर बनाया हुआ देवी जी गणेश जी किनका है बनाया किनका है सबसे पहला मंदिर हम विवेकानंद घाट से उतरते फर्स्ट मंदिर है जी हाँ। राधा कृष्ण भगवान का कितना अच्छा काम किया आपने बोलिए राधा कृष्ण भगवान की हाँ। उसके बाद फिर उनके वस्त्र किन का मंदिर है जी
हनुमान जी का, राम जी का, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाह वाह। फिर शंकर जी का भी मंदिर है, फिर नर्मदा जी का भी मंदिर है। ये बढ़िया गाड़ी चल रही थी, फिर ना जाने ना हमको क्या हुआ कि हमने साईं बाबा का मंदिर बना दिया। पर हाँ, मैं उनकी जय नहीं बुलवाने वाला। उसके बाद फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये आपके जीवन में जो चीजें चल रही ना मन मुताबिक, ये भक्ति तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराण में लिखा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवल अहेतु की भक्ति उत्पाताय कल्पते। जो मनमुखी भक्ति करता है, रोज नए भगवान बना लेता है और हर कहीं जाकर माथा टेकता है कि सोमवार है तो शंकर जी का पूजन, मंगलवार तो हनुमान जी का पूजन, बुधवार तो गणेश जी का पूजन, गुरुवार तो कहीं के बाबा का पूजन, शुक्रवार को कहीं की माता का पूजन, शनिवार को शनि मंदिर में खड़े हैं, रविवार को फिर सोच रहे हैं अब कल कहां जाएं। लेकिन जीवन में शांति नहीं है। क्यों? उत्पाता ये कल्पते। ये मनमुखी भक्ति तुम्हारे जीवन में उत्पात पैदा करेगा। अरे मां नर्मदा के तट पे जहां ऋषि मुनियों ने तप किया है, और नर्मदा पुराण में भोलेनाथ तो स्वयं कह गए प्रेमियों कि नर्मदा के तट पे अगर आकर कोई मनुष्य एक बार भजन कर ले तो उसको 10 गुना फल मिलता है। तो रोज काहे को नए नए भगवान बना रहे हो? कल किसी और को पूजने लगना और फिर कहना हमारे हिंदू धर्म को खतरा है। 33 कोटि सुना ना सभी ने, 33 करोड़। तो 33 करोड़ में से आपसे बोला जाए कि 3300 देवता का ही नाम बता दो, मालूम है? नहीं। तो अपने पास तो 33 करोड़ है ना, फिर क्यों भ्रमित हो रहे? इस दुनिया में किसी बाबा का पूजन करो चाहे मत करो, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बाबा हैं भोले बाबा, उनका पूजन करेंगे। सब कुछ देने का सामर्थ्य जिनमें है। अरे जो कभी भी अपने पास कुछ नहीं रखते, ये कथा तो आप जानती है ना माताओं कि जब शंकर जी ने भी अपने अपना घर बनाया था एक बार, हाँ सुंदर बनाया, सोने का घर, जो लंका है ना, ये भोलेनाथ की थी। तो पार्वती जी ने कहा कि इसमें सब हो गया, तो शंकर जी का थोड़ी फिनिशिंग रह गई है और 8-15 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगी और बढ़िया पसंद का सब लगवाएंगे। बन गया तो माता जी ने पूछा कि अब देव भी उठ गए हैं तो गृह प्रवेश कब होगा? तो भोलेनाथ ने कहा हो तो जाएगा, लेकिन कोई पंडित बढ़िया नहीं मिल रहा। अरे बोले दुनिया का सबसे बड़ा पंडित, प्रकांड विद्वान दशानन रावण आपका चेला, बोले सबसे बड़ा विद्वान तो वही है, वही पूजन कराने आएगा। कथा आप जानते हैं, रावण ने विधि विधान से ना जाने कितने करोड़ आचार्यों को लेकर आया और स्वयं आचार्य बन के एक एक मंत्र उच्चारण करके और बिल्कुल एक एक कोण में पूजन, वास्तु का पूजन, विधिवत पूजन, नवग्रह का पूजन, मंडलों का पूजन, सारा पूजन विधिवत कराया। और शंकर जी ने कहा कि भाई घर शंकर जी ने बनाया, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बनाया। और पंडित के रूप में भी रावण आए हैं, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, प्रकांड विद्वान जिसके मुख में वेद रखे। तो दक्षिणा भी मुंह मांगी देंगे। तो रावण से पूछ लिया तो माता जी ने थोड़ा रोका कि पूछो मत, अपने हिसाब से दे दो। लेकिन शंकर जी ने कहा देवी घर आपके हिसाब से बनाया, दक्षिणा अपने हिसाब से देंगे। तो रावण से पूछा कि पंडित जी महाराज दक्षिणा में क्या लेंगे? तो बोले भोलेनाथ आपका अटैची वटैची लेके बाहर आ जाओ, क्योंकि जिसमें आप रहने वाले यही दक्षिणा है, हमको यही चाहिए। तो भोलेनाथ का सामान तो ज्यादा है नहीं, नंदी त्रिशूल और पार्वती जी। तो बोले अब कहाँ, तो इतनी बड़ी लंका तो उसने ही ले ली, भगवान कैलाश पर विराज गए। कहने का तात्पर्य कि जो भगवान शंकर अपने पास कुछ रखते नहीं है और सब कुछ देने का जो सामर्थ्य रखते हैं, आप उनको क्यों नहीं पूछते हैं और रोज नए नए भगवान क्यों बना लेते? शिव पुराण की कथा जो है ना, जिन लोगों का मन ज्यादा भटकता है ना, तो बिल्कुल मेरा निवेदन है कि कल से सुनना मत आप लोग। क्यों? क्योंकि उनको तो बुरी लग जाएगी ये कथा, क्योंकि इसमें बार बार बताया गया है कि उन लोगों की गति क्या है जो भूत प्रेत को, जो मजारों को भज रहे हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथेव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस रूप में भजेगा या जिस रूप का जो पूजन करता है अंत में वही बन जाता है। तुम भूत प्रेतों को भजोगे तो भूत ही प्रेत बन जाओ, जिसको भजोगे वही बन जाओ। देवी का पूजन करने वालों का चेहरा देख के बता सकते हैं कि देवी का पूजन करते हैं, श्री कृष्ण का पूजन करने वाले को देख के बता सकते हैं अरे तुम कन्हैया का पूजन करते हो, भोलेनाथ का पूजन करने वाले को चेहरा देख के बता सकते हैं आप त्रिपुण धारण करते हैं, आप रुद्राक्ष पहनते हैं। और भूत प्रेतों का पूजन करोगे तो जीवन में तुम्हारे उत्पात पैदा हो जाएगा। और कई लोग आपने अपने गली मोहल्ले में पड़ोस में देखे होंगे कि बचपन से देख रहे हैं खूब पूजन पाठ करते हैं, खूब आराधना करते हैं, खूब परिक्रमाएं करते हैं, लेकिन जीवन में क्लेश कमाई नहीं हो रहा है, दुख कमाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि केवल अहेतु की भक्ति उत्पाता है कल्पना।
जीवन में उत्पात इसलिए है क्योंकि मनमुखी भक्ति कर रहे हैं। और मनमुखी भक्ति प्रेमियों, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भोलेनाथ स्वयं माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे गिरजा, मनमुखी भक्ति मनुष्य के जीवन में भटकाव पैदा करती है और अंत तो गत्वा उसका विश्वास भगवान पर से हट जाता है। 33 करोड़ भगवान बहुत है हमारे, कई जगह आजकल ये चल गया है सोशल मीडिया पर भी 33 कोटि है, 33 करोड़ नहीं है, तो ये ना जाने कौन लोग लिखते हैं, ये मिलते तो है नहीं, लेकिन 33 करोड़ देवता हमारे सनातन धर्म में है। कोटि का अर्थ होता है करोड़, कोटि का अर्थ होता है करोड़। अभी मैंने कथा की थी वनस्थली विद्यालय में कलेक्टर बंगले के पास, तो वहां मैंने 33 कोटि 33 करोड़ कहा, तो कोई महात्मा जी कथा सुनने आए थे, तो उन्होंने हमको अगले दिन फोन कर दिया, बोले महाराज जी वो बात आपकी हमको ठीक नहीं लगी। हमने कहा क्यों? बोले आपने 33 करोड़ कहा और 33 करोड़ होता नहीं है, 33 कोटि होता है। तो मैंने कहा मैं अपनी बात में कल सुधार करके क्षमा मांग लूंगा, लेकिन आप मुझे प्रमाण दे दीजिएगा रात भर में कि 33 करोड़ नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा आप प्रमाण दे सकते हैं कि 33 करोड़ है? मैंने कहा 5 ही मिनट बाद दे देता हूं प्रमाण, शर्त है कि वो ग्रंथ आपके हाथ में वहां होना चाहिए। अगर 33 कोटि 33 प्रकार ही के देवता होते तो दक्ष प्रजापति की जो 27-28 कन्याएं थी तो 28 तो यही हो गई, और जिनसे ब्याह हुआ तो 28 की दुगनी 27 की दुगनी तो यही हो गई, 54 तो यही हो गई, तो बाकी 33 के अलावा तो सब भूत होंगे महाराज। 3 करोड़ रुद्र उत्पन्न हुए थे श्रीमद भागवत में लिखा है, तो वो 3 करोड़ रुद्र कहां गए? अलग अलग कल्पों में अलग अलग देवताओं ने जो अवतार लिया है उन सबको मिला के सनातन धर्म में देवताओं की संख्या है 33 करोड़। ये बिल्कुल ठीक है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, और गाय में इसका दर्शन होता है। 33 प्रकार नहीं, 33 करोड़ है। आप गणेश जी का श्लोक बोलते ना, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्य कोटि बोला जाता है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि कोटि सूर्य, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य। और शंकर जी की एक आरती में भी सुधार कर लीजिएगा, बड़ी अच्छी आरती गाते हैं हम लोग, लेकिन उसमें कहत शिवानंद स्वामी और जपत हरिहर स्वामी है, हम लोग उसको जपत हरा हर स्वामी, बड़े बड़े मंदिरों में माइक चौंगे लगे और शाम को आरती हो रही, जपत हरा हर स्वामी। हरा हर स्वामी कौन थे? हरिहर स्वामी थे जिन्होंने आरती लिखी, इसलिए उनका नाम आखिरी में बोला जाता है। प्रेमी बोलो जय श्री हरि। हाँ, शिव महापुराण की कथा को सूत जी महाराज कहने लगे कि यह जो कथा अब आप सुनने जा रहे हैं ना, बहुत गूढ़ कथा है और उस मनुष्य को तो बिल्कुल नहीं सुनानी चाहिए जो विवेकी नहीं है, जो भ्रमित है, जो प्रतिदिन अपने भगवान बदलता है, ऐसे मनुष्य में भगवान शिव के प्रति प्रीति नहीं हो सकती है। जिसके हृदय में अपने भगवान को लेकर खूब प्रीति हो उसको तो बड़े भाव से एक बार नहीं बार बार सुनाना चाहिए। आज सुनेंगे आप कथा कि प्रीति होना चाहिए तो किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आयु का हो, कितने ही बड़ा पापी हो लेकिन भगवान के लिए थोड़ी सी भी प्रीति और प्रेम है उसको एक कथा सुना देना। जाओ सूजी महाराज ने कहा कि शौनक जी महाराज ये शिव पुराण की जो कथा है कौन से भगवान की है जी? शंकर जी। और शंकर जी अभी अभी अपने सुंदर महल रावण को देके कहां चले गए? लंका को देकर कहां चले गए? कैलाश। तो यहां से आपसे पूछा जाए कि किसी को कैलाश दिख रहा है? नहीं नहीं, तो बुलाना पड़ेगा ना भोलेनाथ को। हाँ, उठो भोले, उठो भोले, नयन खोलो भिखारी द्वार आया है। उठो भोले, नयन खोलो भिखारी द्वार आया है। उठो भोले, खोलो भिखारी द्वार आया है। उठो भोले, नयन खोलो भिखारी द्वार आया है। उठो भोले, नयन खोलो भिखारी द्वार आया है। उठो भोले,
उठो भोले नयन खोलो भिखारी द्वार आया है, उठो भोले नयन खोलो भिखारी द्वार आया है, उठो भोले नयन खोलो भिखारी द्वार आया है, उठो भोले नयन खोलो भिखारी द्वार आया है। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। दोनों हाथ उठाकर कहें हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताली से बजाइए। उठो भोले नयन खोलो भिखारी द्वार आया है, 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 उठो प्यारे नयन खोलो भिखारी द्वार आया है, उठो प्यारे नयन खोलो भिखारी द्वार आया है, उठो भोले नयन खोलो भिखारी द्वार आया है, उठो भोले नयन खोलो। भगवान शंकर को जब सो सुबह पूजन के पहले जगाते हैं तो ताली बजाते हैं ना मंदिर में जाके तीन बार, और फिर यूं जलहरी पे करते हैं। हाँ, तो भगवान को माताएं ऐसे जगाती हैं, उठाती है ना, उठो भोले नयन खोलो भिखारी द्वार आए। आप तो अपने जीवन में केवल इतना मान लो प्रेमी और माता, अपने आप को बहुत नीच मानने लगी है बस, तो भी भजन होगा। इसे कहते हैं नैचानुसंधान। बहुत ऊंचा शब्द है हमारे शास्त्रों में कि आप नैचानुसंधान कर लें कि भगवान के मंदिर में जब जाएं तो जैसे ही मंदिर के भीतर हो जाएं तो बाहर आप कुछ भी हो, लेकिन जब मंदिर के भीतर जाएं तो अपने आप को बहुत नीच माने बस। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कौन कुटिल होगा, कौन खल होगा, कौन कामी हो, अपने आप को नीच मानने लगे। और ये मान लेंगे, वैसे अगर किसी को चलते रास्ते में कह दो भाई आप भिखारी हैं तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन ये झगड़ा तब समाप्त हो जाएगा कि आप अपने आप को स्वयं भिखारी मानने लगे। दाता एक राम भिखारी सारी जगह, अपने आप को नीच मानिए, अपने आप को भिखारी मानिए, अपने आप को कुछ मत मानिए, तो आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा। और भोलेनाथ के पास जब पहुंचे तो वहां पर तो बिल्कुल अहम शून्य होकर पहुंच जाए। सूजी महाराज ने कहा उन भोलेनाथ को हमने बुला लिया, अब उनकी दिव्य कथा सुनाता हूं। भगवान शंकर के नाम में पाप को नष्ट करने की जितनी शक्ति है, एक बार भोलेनाथ का नाम लेने में कितनी शक्ति जानते हैं? केवल एक बार। पूरे 100 साल के जीवन में एक बार पूरे हृदय से जो शिव कह देता है तो उस एक बार के उच्चारण में इतनी शक्ति है जितनी शक्ति मनुष्य में पूरे 100 सालों में पाप करने की नहीं है। कितना पाप मनुष्य करेगा, लेकिन एक बार पूरे भाव से प्रायश्चित करते हुए शिव नाम का उच्चारण कर दे वो सब को नष्ट कर देते हैं समस्त पापों। और जिस मनुष्य का मन शिवजी की कथा में लग गया
वह मनुष्य अंत काल में भगवान शिव के लोग जाता ही सूजी महाराज ने कहा, आगे वर्णन करने लगे। अपने जीवन में कोई इष्ट होना चाहिए और इष्ट बनाया नहीं जाता या किसी से पूछा नहीं जाता। इष्ट माने यहां पर जितने भी श्रोता बैठे हैं, माताएं प्रेमी बैठे हैं, आप सभी जानते होंगे कि एक ना एक भगवान बचपन से ऐसे होंगे जो अपने आप ही आपको अच्छे लगते हैं, अपने आप ही अच्छे लगते हैं, भले ही उनसे किसी ने परिचय कराया था नहीं, लेकिन राधा कृष्ण जी तो ना जाने बचपन से क्यों मन लगता है, ना जाने नर्मदा जी में क्यों मन लगता है। तो समझ जाइए जिनमें आपका मन स्वतः ही लग रहा है वही आपके इष्ट हैं, चाहे कहो राम राम चाहे कहो श्याम श्याम। सवय मनः कृष्ण पदारविंद, इस मन को कहीं ना कहीं तो आपको लगाना पड़ेगा। मैं एक बहुत सुंदर कथा आपको सुनाऊं, ध्यान सुनना, बच्चे भी बैठे हैं उनके भी समझ आ जाएगा, कथा बड़ी सुंदर है। एक बार की बात है, ऐसे ही कहीं कथा हो रही थी, ध्यान से सुनिए, बोलो जय श्री हरि। कथा हो रही थी तो कथा पंडाल में कथा वक्ता कह रहे थे कि हर एक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई एक सच्चा साथी जरूर होता है जो हमेशा उसके साथ रहता है, तो हमेशा उसके साथ रहता है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो एक गांव का लड़का बैठा था, वो कथा सुन रहा था ऐसे कहीं बैठ के सीढ़ियों में। कथा पूरी हुई, कथा पूरी होने के बाद ही गुरुजी के पास गया, गुरुजी सीताराम, बोले सीताराम, गुरुजी आपने कहा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सच्चा साथी जरूर होता है, उसका पक्का साथी। बोले हाँ, तो मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। अब आप ये बताइए कि मैं तो अनपढ़ हूं, ना तो कुछ कमाता धमाता हूं और ना कोई विशेष मेरे पास है, तो मुझे सच्चा साथी जीवन में कहां मिले और मेरा सच्चा साथी कौन है, मैं कैसे जानूंगा। ध्यान से सुनिए, तो गुरुजी ने कहा कि ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, तुम पूरब दिशा की ओर चले जाओ, पूरब दिशा की ओर चले जाओ और पूरब दिशा में चलते जाना जब तक तुमको सच्चा साथी नहीं मिले, लेकिन पूरी लगन से मन में सोचते जाना कि हे भगवान मुझे अपने सच्चे साथी से मिला दो। जाओ, गुरुजी को प्रणाम करा इसने और निकल गया पूरब दिशा की, और पूरब दिशा की यात्रा करने लगा। कई महीनों तक चलता रहा, कोई नहीं, जो मिल जाता खा पी लेता, कहीं विश्राम कर लेता। एक दिन उसने देखा कि कई महीने बीत गए अभी तक कोई नहीं मिला, सामने उसने देखा कि एक घोड़सवार एक काले से तेज तर्राट घोड़े को काबू में कर रहा है, और उस घोड़े को वो काबू में कर रहा है, और इतना तेज घोड़ा था कि वो संभाल ही नहीं रहा था, थोड़ी देर देखता रहा और जैसे तैसे घोड़सवार ने उसको काबू कर लिया, उसको बैठ गया। ये लड़के ने पहली बार देखा ऐसा घोड़ा, इसने कहा जिसने किस घोड़े को काबू में कर लिया, घोड़े में बहुत ताकत होती, तो ये तो मेरे जीवन में बहुत सहायता करने वाला होगा, परम बलवान लगता है, कहीं यही तो मेरा सच्चा साथी सच्चा मित्र नहीं। तो इसके पास जा ही रहा था, इतने में एक सैनिक आया, इस घोड़सवार ने उस सैनिक को प्रणाम किया और घोड़े की लगाम उसके हाथ में दे दी। इस लड़के ने सोचा कि मैं जिस घोड़सवार को सब कुछ समझ रहा था वो तो एक सैनिक का नौकर है, चलो ये सैनिक लगता है जो घोड़े का मालिक होगा, उसको प्रणाम करने जा रहा था, उससे बात करने जा रहा था, उसमें सच्चा साथी ढूंढने जा रहा था। इतने में सेनापति आ गया, तो सैनिक ने सेनापति को प्रणाम करा और सेनापति के हाथ में घोड़े की लगाम दी। अरे उसने कहा ये सैनिक मैंने कोई नहीं, सेनापति है, सेनापति के पास। इतने में महाराज आए, सम्राट आए, बोले सेनापति अपना घोड़ा कैसा, आप काबू में है क्या। बोले लीजिए महाराज काबू में है, बैठो सवारी करो। बोले ये भी नौकर है, तो राजा ही लगता है सच्चा साथी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बलवान यही लग रहा। राजा घोड़े पे बैठा, ये जब तक पहुंच पाता राजा निकल गया, ये भी पीछे पीछे दौड़ने लगा, और जंगल में घनघोर जंगल में राजा न जाने कहां चला गया और मिला ही नहीं। ये ढूंढता रहा कि मेरा सच्चा साथी जिसमें मैं ढूंढ रहा था सच्चा मित्र वो कहां चला गया, नहीं मिला। बहुत तेज प्यास लगी, नदी के तट पे आया और पानी पीने लगा। इतने में ही इसने नदी के उस तट पे देखा, ज्यादा चौड़ा तट नहीं था, नदी के तट पे दूसरी ओर एक व्यक्ति लेटा हुआ है पेड़ के नीचे, और अपने सिर पे यूं हाथ रख के लेटा, हाथ का तकिया बना के और जोर जोर से खर्राटे ले रहा है, गहरी नींद में। इस बालक ने उस आदमी को देखा और देखता रहा, तो इसने एक बात बड़ी विचित्र देखी कि जिस पेड़ के नीचे वो आदमी सो रहा था उस आदमी के चारों ओर एक भयंकर काला सा सांप चक्कर काट रहा है, काटने के लिए चक्कर काट रहा है,
अब ये लड़का देख रहा है कि ना जाने में इसको काट नहीं ले, इतने में पेड़ की टहनी टूटी, सांप के ऊपर गिरी और सांप भाग गया। इस आवाज से इस आदमी की नींद खुल गई, वो आदमी उठकर चला गया। फिर अब पूरब दिशा की यात्रा करने लगा लड़का जो सच्चा साथी ढूंढ रहा था। और यात्रा करते करते एक दिन इसको वही गुरुजी मिल गए जिन गुरुजी ने कहा था कि पूरब दिशा की ओर चले जाना, सच्चा साथी मिलेगा। गुरुजी ने कहा तुमको अपने जीवन का सच्चा साथी मिला क्या? नहीं गुरुजी। लेकिन इसने पूरी घटना सुनाई कि घोड़ा मिला था, फिर घुड़सवार मिला था, फिर सैनिक मिला था, फिर सेनापति मिला था, फिर राजा मिला था, और एक पेड़ के नीचे नदी की दूसरी ओर एक आदमी सो रहा था और एक सांप उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था, और जैसे ही वो टहनी गिरी तो सांप वहां से भाग गया, उसके प्राण बच गए। और गुरुजी उस आदमी को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी जब सो रहा है तो उसके चारों ओर कोई सुरक्षा का घेरा है। गुरुजी ने कहा जानते हो वो जो घेरा था ना, वही उस आदमी का सच्चा साथी था। मैं समझा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा अभी थक गए हैं, रात्रि विश्राम कर लो, सुबह समझाएंगे तुम्हें। ठीक है गुरुजी, ध्यान से सुनना। अगले दिन सुबह सुबह उठा, मन में कौतुक था, गुरुजी के पास गया। गुरुजी जल्दी बताइए ना सच्चा साथी वो कैसे हुआ उसका? गुरुजी ने कहा उस आदमी की जो रक्षा कर रहा था वो कोई और नहीं, वो साक्षात धर्म था। और इस कली काल में मनुष्य का सच्चा साथी केवल धर्म है। तूने मुझसे पूछा था ना, ऐसे सच्चे साथी की तलाश है जो ना जंगल में मेरा साथ छोड़े, जो ना अंधेरे में मेरा साथ छोड़े, जो ना दिन में मेरा साथ छोड़े, जो ना रात में मेरा साथ छोड़े, जो सोते में भी मेरे साथ रहे, जो जगते में भी मेरे साथ रहे। तो केवल और केवल मनुष्य के द्वारा किया हुआ धर्म ही उसका सच्चा साथी है। इसको कहीं में ढूंढिए, इसको तो बस पढ़ाइए, नीति में श्लोक है ना, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। आहार निद्रा भय मेथ नंचा सामान्य मेतत पशुभिन नराणाम। आठवीं नौवीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आहार निद्रा भय मेथ नंचा सामान्य मेतत पशुभिन नराणाम। और धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। केवल और केवल धर्म ही ऐसा है। किसी आदमी से पूछा जाए कि भैया आप में और कुत्ता में क्या अंतर, तो आप कहेंगे हम भोजन करते हैं, तो बोले वो भी भोजन कर लेते, पेट तो वो भी भर लेते। हम लोग घर में सोते हैं हमें नींद आती, तो बोले नींद तो जानवरों को भी आती है। हम लोग संतान उत्पन्न कर लेते हैं, तो बोले जानवर भी संतान उत्पन्न कर लेते हैं, इसमें क्या अंतर। हम लोगों को डर लगता है, तो बोले जानवरों को भी लगता है। तो जानवरों में और मनुष्य में अंतर क्या है? तो नीति में कहा गया धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य में यही लाभ है मनुष्य जीवन का कि आप मनुष्य जीवन को अगर धारण कर रहे हैं तो आपको यह लाभ है भगवान ने दिया है कि नर्मदा जी के तट पर आकर के आप शिव पुराण की या भागवत की कथा सुन सकते हैं और यह कोई जानवर नहीं सुन सकता। लोग पूछते हैं ना कि पांच पांच पांडव थे और सौ सौ कौरव थे, कौरवों में से एक भी नहीं बचा और पांडवों से एक नहीं मरा, क्यों? बोले उनका सच्चा साथी धर्म, वो सदैव उनके साथ था और धर्म उनके साथ था, इसलिए श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और यथो यथा पार्थो ततो जयः। जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहां पर जय है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहां विजय है, वहां सब कुछ है। आपके और हमारे जीवन का सच्चा साथी कौन है? बोले केवल धर्म। ये जो धर्म कर्म आप अपने जीवन में करते हैं ना, कि पौष के महीने में रविवार के व्रत कर लिए, मकर संक्रांति आई तो हमने अपने ये सब, हम क्या बढ़ा रहे हैं? अपना धर्म, ये सब अपना धर्म बढ़ा रहे हैं। और इसी धर्म का विशेष फल है शिव महापुराण की कथा, भगवान शिव की कथा। सूत जी महाराज सोलंकी से कहने लगे, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में भ्रमण परिक्रमा स्नान करने से जो फल मिलता है, वो केवल और केवल एक बार मन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन ले तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। केवल इस कथा को सुनना। ग्रंथों में बताया गया सबसे पहला साधन है, कल की कथा में तो विशेष रूप से आप सुनेंगे कि शंकर जी की प्राप्ति का, भोलेनाथ के लोक की प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन और पहला साधन है उनकी कथा को सुनना। और बिना कथा सुने कोई भी मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, पुराण में लिखा। आपसे पूछा जाए कि सत्यनारायण भगवान का व्रत आपने किया, शाम को उनको भोग लगाया। सत्यनारायण भगवान की पोथी में लिखा है कि शाम के समय पूजन और व्रत खुला जाता है ना, फिर सुविधा अनुसार दिन में भी लोग करने लगे। ठीक है, ये भी कर तो रहे कम से कम,
लेकिन सही विधि है कि शाम के समय बंधु बांधवों के साथ पूरा दिन आप भूखे तो रहिए। आजकल तो सुविधा अनुसार सत्यनारायण व्रत होता है कि अगर आपका 11 बजे का नाश्ते का टाइम है बाल भोग का तो 10:30 पे पंडित जी आरती करा देना चाहिए। क्यों? वो हमारे सुविधाओं से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सत्यनारायण भगवान की कथा का तो नियम है कि जिसने सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत का संकल्प लिया है उस मनुष्य को ही अपने हाथों से पूरी तैयारी करना चाहिए। केले के पत्ते काट के लाना चाहिए, लीपना चाहिए, प्रसाद बनाना चाहिए, दिन भर भूखा रहना चाहिए और शाम के समय बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत सुनना चाहिए और उसके बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए। अरे प्रेमियों, स्कंद पुराण के रेवा खंड में जो 5 अध्याय अंतिम के हैं वही सत्यनारायण भगवान की कथा है। उसमें लिखा है कोई मनुष्य अगर पूरे नियम से पूरी निष्ठा से एक बार अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि से कर ले तो भी उसे कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़े। और भगवान शिव के व्रत देख लें, चाहे नारायण भगवान के देख लें, चाहे कोई व्रत, ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी, हरतालिका तीज, शिवरात्रि, सत्यनारायण कथा, महालक्ष्मी व्रत, कोई भी व्रत हो, लेकिन हरेक व्रत में यही नियम है कि जब पूरा पूजन हो जाए तो उसके बाद क्या पढ़ी जाती है जी? पोथी। और अगर कोई पंडित जी पूजन कराने आए और पोथी नहीं पढ़े तो आप क्या कहेंगे कि पंडित जी महाराज आपने पोथी तो पढ़ी नहीं, फिर पूजन कैसे पूर्ण होगा? भले ही दुनिया का कोई छोटे से छोटा व्रत हो लेकिन बिना भगवान की कथा के वो पूरा नहीं होता। बिना कथा के किसी भी भक्त ने आज तक भगवान को प्राप्त नहीं की। बिना कथा के भगवान की प्राप्ति होती नहीं। जब से आपको भगवान की कथा अच्छी लगने लग जाए, जब कथा में मन लगने लग जाए तो समझ लीजिए भगवान ने आपके जीवन में कृपा कर दी है। आपको सुनने को क्या चाहिए? बोले भगवान की कथा। यहां बहुत से लोग कथा सुनने आए हैं, लगभग अधिकतर ऐसे होंगे जो एक दूसरे को जानते होंगे, है ना? और कुछ ऐसे भी होंगे जो एक दूसरे को नहीं भी जानते होंगे लेकिन आजू बाजू बैठ गए जहां जगह मिली। कथा पूरी हुई, आज की प्रसाद बटा तो उन्होंने पूछा और बहन तुम कहां से आई हो, है ना? हम लोग भी कथा में जाते हैं तो कोई नया वैष्णव मिलता तो हम पूछते हैं सीताराम कहां से आए हो, तो पर बातचीत हो जाती है। अब आपने देखा उनको और बहन कहां से आई हो, तुम्हारा क्या नाम है, तो सबसे पहले आपने उनका क्या पूछा? नाम। उन्होंने अपना नाम आपको बता दिया तो पूछा कि नाम कब से रखा गया, तो बोले जब से पैदा हुए। माने जन्म पूछ लिया आप, जन्म के विषय में पूछ लिया, आपका नाम क्या है, माने जन्म। नाम को कहा जाता जन्म, जन्म नाम। दो चार दिन कथा में आते रहे और आते आते अब आपकी मित्रता उनसे ज्यादा हो गई, उन माता जी से, तो आपने पूछा तुम रहती कहां हो, उनने कहा हम तो ही रहती हैं। अच्छा तो कभी देखी नहीं आप वो अपना आप इतने। फिर घर के बारे में पूछा, फिर तुम्हारे पति क्या करते हैं ये पूछा, बच्चे कितने, क्या क्या पढ़ना, सब पूछ डाला। पहले जन्म पूछा था, फिर उनका कर्म पूछ लिया। पहले आपने सब पूछ लिया तो उन्होंने भी आपका सब पूछ लिया, आपका क्या नाम है, आपके क्या कर्म है, आपके घर में कितने लोग हैं, सब पता लग गया उनके बारे में एक दूसरे को। तो यही तो दिक्कत है भगवान का कि मिलिए, बात भी कीजिए, लेकिन आपने जो जन्म कर्म की चर्चा की है एक दूसरे के, बस वो भगवान ने कहा है एक दूसरे के जन्म कर्म की चर्चा नहीं करना है। चर्चा तो करना है जन्म कर्म की, लेकिन जब भी आपस में मिलो तो भगवान के जन्म कर्म की चर्चा करना है। क्योंकि जो मनुष्य अपने जन्म कर्म की चर्चा करता है तो वो 84 लाख योनियों में जन्म कर्म के चक्कर में पड़ा रहता है। और नारायण भगवान नारद जी से कह रहे हैं जो मनुष्य मेरे जन्म कर्म की चर्चा अर्थात मेरी कथा को कहता सुनता आपस में है तो वो सदैव जन्म कर्म के चक्कर से छूट जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। इसलिए शौनक जी महाराज, हम किसी और के जन्म कर्म की चर्चा ना करते हुए आज केवल भगवान शिव के जन्म कर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शौनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, उन भगवान शंकर की कथा सुना रहे, बोले हैं उस पुराण का नाम क्या है तो सुन लीजिए। बोले जितने भी देवी देवता इस पृथ्वी पर हैं उन्हें देव कहा जाता है, लेकिन भोलेनाथ को क्या कहा जाता है, महादेव। देव के आगे आपने क्या लगा लिया जी, महा लगा लिया। जिन लोगों ने समुद्र मंथन के बाद विष को पिया और अमृत को पिया तो वो क्या बन गए, देव। और जिन्होंने विष को पिया वो क्या बन गए, महादेव। अन्य देवी देवताओं की आरती होती है लेकिन भोलेनाथ की क्या होती है, महाआरती।
अन्य देवी देवताओं की रात्रि होती है, लेकिन भोलेनाथ की होती है महाशिवरात्रि। अन्य देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है, लेकिन इन्हें महाभोग लगाया जाता है। और सभी देवी देवताओं का पुराण होता है, लेकिन भोलेनाथ के पुराण का नाम है महापुराण। बोलिए शिव महापुराण की। अणोर अणियान महतो महियान। जो भगवान शंकर महान है, जो इस जगत में सबसे महान है, और जिनके विषय में कहा गया है कि ये कलयुग जब समाप्त हो जाएगा, जब प्रलय हो जाएगा, तो कुछ ही चीजें बचेंगी। नगरी में केवल बचेगी काशी। स्कंद पुराण में पढ़ लीजिएगा, नंदा पुराण में वर्णन आता है, जब पूरे ब्रह्मांड में प्रलय हो जाएगा तो नगरियों में केवल बचेगी काशी। क्यों? भगवान शंकर के त्रिशूल पर है वो पंचकोशी नगरी, त्रिशूल की नोक पर, बीच में। अस्त्रों में त्रिशूल बचेगा, नगरी में काशी बचेगी। नदियों में केवल नर्मदा बचेंगी, और देवों में केवल महादेव बचेंगे, और दूर कहीं कैलाश में खड़े खड़े पूरे जगत को जल में मिलता हुआ देखते रहेंगे। ऐसे महादेव जिनकी जटा खुली होंगी, उस समय प्रलय कर रहे होंगे, कहीं अपना तीसरा नेत्र खोले होंगे, कहीं अपना डमरू बजा रहे होंगे, कहीं अपने उस त्रिशूल की नोक पर काशी नगरी को संभाल रहे होंगे, और कहीं नर्मदा नीचे बह रही होंगी। नदियों में केवल प्रलय के बाद नर्मदा बचेगी। जिन नदी के तट पर आप बैठे ना, मां नर्मदा, ऐसी मां नर्मदा प्रलय के बाद भी शेष बचेगी। ऐसे भोलेनाथ के उस पुराण को सुनाने लगे और कहने लगे, उस पुराण का नाम है शिव महापुराण। कितनी संहिताएं इसमें है तो ध्यान से सुन लीजिए। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। कितनी? जैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है ना, रामचरितमानस में कांड है ना, ऐसे ही शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। 24,000 श्लोकों का यह दिव्य पुराण। कितने? 24,000। और शिव महापुराण में जो संहिता है, उसकी सबसे पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। ध्यान सुन लीजिए। और ये इतनी बड़ी है माताओं कि अगर विद्येश्वर संहिता की कथा को विधिवत सुनाया जाए तो एक महीना में तो केवल विद्येश्वर संहिता होगी। हाँ, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए पूरे साल भर चाहिए, तब विस्तार से सुन पाओ एक एक प्रसंग। इतना गुड़ रहस्य इसमें है। शिव पुराण में केवल यही नहीं है कि शंकर जी को क्या चढ़ाएं और कौन सी मनोकामना पूरी कर लें, शंकर जी के दिव्य चरित्र इसमें भरे पड़े। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, जिसमें शिवलिंग क्या है, शंकर जी कौन है, शंकर जी के लिए जो शिवलिंग का पूजन है तो लिंग का अर्थ क्या होता है, ये सब उसमें बताएगा। और विशेषकर जिन लोगों के मन में भ्रम है ना शंकर जी को लेकर, उन्हें विद्येश्वर संहिता तो खूब सुननी चाहिए। इसी में रुद्राक्ष, भस्म, बेलपत्र, इन सब की महिमा आई है। कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं, पार्थिव पूजन का क्या महत्व है। किसी को अगर शंकर जी की पूजन के सारे विधि विधान को जानना हो तो उसे विद्येश्वर संहिता पढ़ लेनी चाहिए। सब विधि निषेध इसमें मिल जाएगा। आगे दूसरी संहिता आती है रुद्र संहिता। तीसरी संहिता नाम है शतरुद्र संहिता। चौथी कोटि रुद्र संहिता। पांचवी उमा संहिता। छठवी कैलाश संहिता। और सातवीं सबसे अंतिम संहिता है वायवीय संहिता। ये 7 संहिताओं का जो पुराण है उसका नाम है शिव महापुराण। यही आगे जाकर शिव महापुराण के रूप में प्रचलित हुआ। और सूत जी महाराज कहने लगे, कोई मनुष्य अगर अपने जीवन में शिव महापुराण पढ़े भी नहीं और उसके घर में सफेद वस्त्र में लपेट कर, क्योंकि भोलेनाथ का प्रिय वस्त्र है ना सफेद, झंडा भी उनके लिए सफेद लगाया जाता है, और जिन घरों में शंकर जी का विशेष पूजन होता हो तो घर के ऊपर सफेद झंडा जरूर लगाना चाहिए, या तो पचरंगा झंडा या सफेद झंडा जरूर लगाना चाहिए। कभी शंकर जी का झंडा अगर देखा हो तो उसमें चिन्ह देखा है आपने काय का होता है? बताओ, नहीं देखा? अरे किसी मंदिर में दर्शन करने जाए तो सबसे पहला नियम यह है कि सबसे पहले मंदिर के शिखर को देखना चाहिए। आप सीधे सीधे भगवान को देखने के अधिकारी है ही नहीं आप और हम, कि मंदिर गए और सीधे भगवान का चेहरा देख लिया, नहीं नहीं, ये अपराध है। मंदिर में प्रवेश करें तो जो मंदिर आपको दिख गया, सबसे पहले उसके शिखर, उसके कलश का दर्शन करें। कलश का दर्शन हो गया, मान लो भगवान ही का दर्शन हो गया। कहीं दूर अपन जाते ना, सलकनपुर से निकले तो पहाड़िया पे देवी का मंदिर दिख जाता है, और कभी ऊपर जाते जाते पहले ही कलश का दर्शन हो जाए तो समझ लो विजयसेन देवी का दर्शन हो गया। उसके पश्चात उनकी ध्वजा का दर्शन करना चाहिए। एक होती है ध्वजा, एक होती है पताका। ध्वजा और पताका में बहुत अंतर है। तो शंकर जी के पास ध्वजा होती है, देवियों में पताका होता है, देवी का भी ध्वज होता है। हर देवता के अलग अलग रंग का ध्वज है, अलग अलग रंग की पताका है,
ये पताका अपने घर के ऊपर लगाना या ध्वज को अपने घर के ऊपर लगाने में भी बहुत वास्तु दोष नष्ट होता है। पहले भगवान के मंदिर के शिखर का दर्शन कीजिए, उस कलश का दर्शन कीजिए, उसके बाद वहां की जो ध्वजा है, जो पताका है, उसका दर्शन कीजिए और फिर उसमें देखिए कि शंकर जी के मंदिर में जो ध्वजा या पताका लगी हुई है, जो झंडा लगा है, उसमें बैल का चिन्ह बना है। इसलिए शंकर जी को कहते हैं वृषभध्वज। वृषभ के चिन्ह वाला जो झंडा धारण करते हैं, भगवान शंकर को नंदी इतना प्रिय है कि उस नंदी के चिन्ह को उन्होंने अपने झंडे पर धारण कर दिया। अभी माघ का महीना आ रहा है ना, माघ के महीने में भगवान शिव के मंदिर में नंदी के चिन्ह वाला ध्वज जरूर चढ़ाना चाहिए। मकर संक्रांति हुई, सूर्य उत्तरायण हो गए, उत्तरायण में आ गए। उत्तरायण माने देवताओं का दिन, छह महीने देवताओं के दिन, और दक्षिणायन माने देवताओं की रात्रि, देवताओं का दिन हो जाता है। अभी माघ महीने के विषय में छठवें दिन सुनाऊंगा, विस्तार से सुनना, बहुत पवित्र महीना है। और बड़ा सौभाग्य मानिए कि मां नर्मदा की बड़ी कृपा से हमको माघ महीने की महिमा सुनने को मिलेगी। इस वर्ष तो विशेष करिएगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ष बहुत विशेष है। 2023 में दो श्रावण है और अधिक मास भी है। पहले 15 दिन का श्रावण रहेगा, फिर अधिक मास रहेगा और फिर 15 दिन का श्रावण रहेगा। माने अधिक मास में श्रावण का संपुट लग गया आगे पीछे, माने अधिक मास की सेवा भी इस बार भोलेनाथ दोनों तरफ से कर रहे हैं। इसलिए माघ महीने से नियम करने लगना, उत्तरायण लगते हैं, और माघ महीने से श्रावण तक इस नियम को करना। ज्यादा कठिन कोई नियम नहीं है, माघ ही महीने का नियम कर लेना, बहुत सरल नियम है। और विशेषकर नर्मदा तटवासी वालों के लिए तो बहुत ही सुलभ। हमारे को तो नर्मदा जी सुलभ हुई है। रुद्र देहाय विद्महे मेकल कन्यकाय च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदया, ऐसी मां रेवा। माघ के महीने में भगवान शंकर के मंदिरों में माघ से लेकर शिवरात्रि तक इस पूरे क्रम में कभी कर लो। शिवरात्रि पे अधिक भीड़ हो जाती तो आपने देखे ना, हर बोले आते हैं महाराष्ट्र से, बड़ा ये त्रिशूल लगा है, जितना बड़ा ये, ऐसे बड़े बड़े त्रिशूल, बड़े बड़े झंडे लाके जटा शंकर पर चढ़ाते। तो आप क्यों नहीं चढ़ाते जहां भोलेनाथ रह रहे हैं? नहीं, हम तो वही साईं बाबा और ना जाने कौन कौन से बाबा। और कहो तो फिर बोले कहां प्रमाण है, तो आपसे पूछूंगा, कोई भी बता देगा। साईं बाबा का सबसे बड़ा मंदिर कहां है जी भारत में? बोलो भाई, नंबर थोड़ी कटेंगे, मालूम है शिरडी जा चुके हो। मुंह कैसे दिखाएं भगवान को, तो यहां नहीं बोल पा रहे तो वहां कैसे मुंह दिखाओगे? कि हम तो एक मुसलमान को पूछते थे। हमारे शंकराचार्य भगवान श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, मैं किसी के घर के बाहर, माता जी मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरी आदत एक थोड़ी खराब है कि मैं बोल देता हूँ, और मुझे बुलाते ही इसलिए हैं बोलने के लिए। हाँ, मैं 7 दिन आनंद तो हम करेंगे, उत्सव तो हम करेंगे, लेकिन जो इनमें लिखा है वो मेरा काम बोलना है जी। श्री अभय भैया के यहाँ से भाभी जी बैठे, तो मुझे आप तब से जान रहे हैं जब मैं नर्मदापुरम में कथा कर रहा हूँ। तो वो शिरडी में उन्होंने आवेदन दिया था, हमारे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका शरीर अब पूरा हो गया 99 वर्ष में, शंकराचार्य जी थे, तो उन्होंने बोला कि इनके विषय में लिखते क्यों नहीं हो तुम लोग बाहर? हमारे यहाँ महाकाल मंदिर में जाओ तो एक बड़े पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है महाकाल कैसे प्रकट हुए, उनकी कथा क्या। आप सलगनपुर चले जाओ, विजयासन देवी की महिमा लिखी, कहीं चले जाओ उसकी महिमा लिखी, तब आपके साईं बाबा के विषय में महिमा क्यों नहीं लिखी? तो बोले नहीं, हम लोग नहीं लिखते। उन्होंने कोर्ट में आवेदन दिया और फिर कहा कि ये सबको मालूम होना चाहिए कौन से देवता हैं। तो पहला कागज आया और उसमें सबसे ऊपर लिखा था कि बहुत समय पहले मनमाड़ के पास है ना, कोपर गांव के पास है ना, हाँ, वहां पर एक बालक था जो बारात में छूट गया था, और मुसलमानों के विवाह की बारात आई थी, उसमें बालक छूट गया था और बालक वहां रहने लगा, नगर के लोग उसको खाने पीने की चीज देने लगे, गाँव के लोग। तो उस बालक का नाम क्या था? तो नीचे लिखा चांद मोहम्मद। क्या है जी? क्या नाम है? चांद मोहम्मद। और फिर घुमा फिरा के हम कहां ले आए? ओम साईं राम। तो या तो प्रेमियों आप ओम ही जपिए, या तो साईं जपिए, या तो राम ही जपिए, कहीं तो कल्याण हो तुम्हारा। माया मिली ना राम, वो वाले हाल हो जाएंगे। आपकी निष्ठा है तो फिर उन्हीं को जपिए, बिल्कुल जब कोई दिक्कत नहीं, फिर वैसे ही वेश धारण करो, उसी धर्म में चले जाइए। लेकिन ये मिलाई मुझे कोई समस्या नहीं, ना वो साईं बाबा मेरा कुछ लेते, ना मैं कुछ देता, ना मुझे कुछ मिलता, और मेरा तो विभाग ही अलग है पुराणों का, वेदों का और पुराणों का। लेकिन हमें तो केवल एक ही बात है कि शंकर जी के मंदिर में अगर कोई मूर्ति है तो वो भोलेनाथ की हो, माता पार्वती की हो, गणेश जी की हो, कार्तिकेय की, ठीक है। लेकिन जहां आपने शंकर जी के मंत्रों से, मेरी बात ध्यान से सुनना, शंकर जी के मंत्रों से किसी बाबा का अभिषेक दूध से कर दिया, तो यहां पर फिर बोलना पड़ेगा।
जहां पर घर में किसी गलत व्यक्ति को किसी अच्छे व्यक्ति के अधिकार दे दी जाएंगे तो वहां तो घर के लोगों को बोलना पड़ेगा। आपने मंदिर अलग से बनाया, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ खिचड़ा खिचड़ी नहीं बनता सनातन धर्म में, खीर पूड़ी बनती है, हलवा पूड़ी बनती है ना, खिचड़ा खिचड़ी कहाँ बनता? वो मोहर्रम में, वो भी आपने मिला दिया, विकृत कर दिया। और विकृत कर दिया धीरे धीरे तो गुरुवार के दिन आपका पूजन करने लग, करो वो भी ठीक है, फिर दूसरों का मत करिए, फिर आप एक ही मार्ग पर चलिए। आपकी देखा देखी में आप जैसे बेचारे जो सीधे लोग हैं उनको भी कुछ समझ आता नहीं तो वे भी चले जा रहे, वे भी चले जा रहे हैं। और सब धान 27 पसेरी महाराज, पूरी धान मिला दी, सब 27 पसेरी। हमारे यहाँ कथा में जो गेहूं चावल आता ना महात्मा, तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहता, सब गौशाला जाता है। तो कई बार ये जो इकट्ठा हो जाता है तो जब ले जाते हैं गौशाला वाले लड़के तो कहते हैं गुरुजी इसमें तो बहुत अच्छा चावल भी रखा है, तो हमने कहा नहीं सब धान 27 पसेरी मिल गया है, सब धान 27 पसेरी। आप अगर किसी अन्य धर्म के लोग अपने धर्म में नहीं आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि देखो हिंदू सब जगह जा रहा, मंदिर में जा रहा, गिरजाघर में जा रहा, मस्जिद में जाने नहीं देते, गुरुद्वारे में जा रहा, सब जगह जा रहा, लेकिन फिर भी दुखी, क्यों? वो अपने भगवान एक निष्ठ नहीं। आप एक निष्ठ हो जाइए, श्रेणी में जाइए, वहां लिखा है जिस बालक का वहां पर पालन पोषण हुआ, जिन्हें आज के समय में साईं बाबा कहते हैं, उनका नाम है चांद मोहम्मद। ये कहते कहते स्वरूपानंद सरस्वती जी मर गए, उनका शरीर छूट गया, अपने दिव्य भगवान के लोक चले गए। कैसे दिव्य थे जानते हैं आप? यही तो बात है ना प्रेमियों, जब तक तुलसीदास जी जीवित थे तो लोगों ने उनको जीने नहीं दिए। पढ़ाया चरित्र तुलसीदास जी का, दो पन्ने में रामचरितमानस के ग्रंथ में लिखा फर्स्ट पेज पर कि तुलसीदास जी जब रात में सोते थे तो भगवान राम और लक्ष्मण जी पहरा देते थे, क्यों? कि लोग इनको मार ना डालें। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहीं ऐलान हो जाए कि तुलसीदास जी फलानी जगह प्रकट हुए हैं तो लाखों की भीड़ एक घंटे में हो जाएगी, क्यों? जब तक थे उनके कोई महत्व नहीं था, समझते ही नहीं थे उनके महत्व को। और आज घर घर में मंगल भवन अमंगल गाया जा रहा है। जब तक संत हैं इस धराधाम पे उनकी बातों को सुनिए, अपनी थोड़ी थोड़ी दृष्टि बदल लीजिए, आपकी सृष्टि बदल जाएगी, देखने का तरीका। सब चोर पाखंडी नहीं है, सारे संत चोर और पाखंडी नहीं है। संत शब्द को बोल के देखिए, कहिए संत, एक बात, संत माने जो दूसरों की समस्याओं का अंत कर दे उसका नाम संत होता है। आप और हम तक ये कथा नहीं पहुंच पाती, सत्यनारायण कथा भी, अगर नारद जी जैसे संत को चिंता नहीं होती। आप और हम तक ये शिव महापुराण नहीं पहुंच पाती, अगर शौनक जी महाराज जैसे संत को चिंता नहीं होती। इस दुनिया वाले लोगों को तो अपनी चिंता होगी, लेकिन आप सबकी चिंता अगर किसी को होगी तो उसका नाम है संत। वो कह के सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, एक से एक संत हैं। पर ना जाने उनको छोड़ के हम क्या पाना चाहते हैं। और मेरी बात को बिल्कुल इसी बात में स्पष्ट हो जाएगी बात, आप क्यों पूजन कर रहे हैं संत का, शिरडी वालों का, या नए नए भगवान क्यों बना रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही कारण है, आपकी गलती नहीं है, आपकी मनोकामना, केवल मनोकामना, कोई भक्ति भाव नहीं, केवल मनोकामना। मनोकामना पूरी हो जाए, वो लोग गए थे उनकी तो पूरी हो गई, तो अपन भी देख लें, अपन भी देख लें। देखा देखी में होता ये कि जो हमारी चीजें पिछड़ जाती, चलो ये भी ठीक है, चलो तुमने मंदिर में बैठा लो तो भी कोई समस्या नहीं। लेकिन नवरात्रि आ गई, नवरात्रि आ गई, शंकर जी लोग बैठाने लगे, नवरात्रि में शंकर जी भी नहीं बैठा ले जाते, वो तो श्रावण में बैठा ले जाते, चलो बैठा लो। लेकिन नवरात्रि में आवा पंडालों में बाबा को बैठाने लगे, फिर आपने गणेश जी बैठा ले तो गणेश जी को भी स्वरूप गणेश जी का कैसा है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, लेकिन उनको भी आपने साईं बाबा का भेज दे दिया, ये गलत किया है ना। आप मोटरसाइकिलों पर उनकी मूर्ति बनाने लगे, पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठते थे वहां आपने साईं, यहां तो फिर हमको बोलना पड़ेगा। मैं एक बात आपसे कहूंगी, हम भी इसी नगर के हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पहले आपने कितनी कथा कराई, किससे कराई, वो क्या सुना गया, और कोई कथा किस उद्देश्य से करता है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, राम जी का झंडा लेके चलना है और भोलेनाथ की स्थापना कराना है। दो कार्य अपने जीवन में, क्योंकि व्यास गति ऐसी नहीं मिली है कि आप लोग ताली बजाएं, कैमरे लग जाएं, ये सब लग जाएं, ये सब बहुत। मैं जब शुरू में कथा करता था तब 5-10 कथाओं तक, मैं अपनी बात आपको बताऊं तो 5-10 कथाओं तक मेरे मन में था, अरे कथाएं होंगी, लोग आते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अब ये दिनचर्या में आ गया है, सुबह उठना है, ठाकुर सेवा करना है, गौ सेवा करना है, भोजन प्रसादी बनाना है, कथा कहना है अपने घर। अब कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नाच रहे हैं, इस कथा से कितना प्रचार हो रहा, इससे कितना पैसा बढ़ रहा, इससे क्या पब्लिसिटी, इससे मुझे कोई मतलब, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है।
आपके घर में शिव महापुराण की कथा हुई तो मेरा उद्देश्य रहता है, बहुत से मेरे यजमान भी यहाँ बैठे हैं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब साहू जी ने यहाँ पर भागवत की कथा कराई थी तो हमने कहा आपने भागवत की कथा कराई, दक्षिणा तो हमको तवई मिल गई जब आपने लक्ष्मीनारायण भगवान का सुंदर मंदिर बना लिया। इतने लोग आके पूजन करते हैं, कितने लोग सिर नवाते हैं, भगवान का एक काम आपने किया, ये करो ना, ये क्यों नहीं करते। कहने का तात्पर्य कि शिव महापुराण की कथा या भागवत की कथा हो चाहे राम कथा हो, मेरा तो एक ही उद्देश्य होता है कि 100 आदमी सुने, 1000 सुने चाहे 10000 सुने, 7 दिन की कथा पूरे होते होते अगर एक आदमी के हृदय या एक माता जी के हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम हो गया तो समझ लो हमारी कथा की दक्षिणा हमको प्राप्त हो गई। आपको भगवान से एक बहुत सुंदर कहावत है, बारू मथे घृत हो ये बरू सिकता ते बरुते न बिनो हरि भजन न भव तरिया यह सिद्धांत अपेल। ये संभव है कि आप किसी लकड़ी का मंथन कर लें या रेत को मथने तो घी निकला, ये भी संभव है, हो सकता हो कभी निकला, किसी सीख में से तेल निकला है सूखी काड़ी में से, ये भी हो सकता है, लेकिन बिना भगवान के भजन के आप भव पार हो जाएंगे ये कभी नहीं हो सकता। भजन तो करना ही पड़ेगा ना, आज नहीं करोगे तो 84 लाख योनि में कभी तो करोगे, कभी तो हमको बुद्धि आई। जिस जीवन हमको सत्संग प्राप्त हो गया, जो पुराण हमको दिए इनको ही पढ़ लीजिए तो ही आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। और मेरा कोई वो नहीं कि आप मत करो, ठीक है आप अपने घर के बाहर लिखवा लें, आप अपने घर में कोई बाबा को बैठा लें, लेकिन फिर उसमें दूसरे धर्म को मत मिलाइए, फिर हमारे सनातन धर्म से दूर रहिए। हो जाता है कई बार, मैं एक बात आपको बताता हूं बहुत ऊंची, इतनी सी बात में आप सब समझ जाएंगे। आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, आप भगवान से 100 मनोकामना बोल के आते हैं, कितनी, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कितनी, 100। 10 दिनों से जा रहे थे और एक दिन हमारी 100 मनोकामना में से 2 मनोकामना पूरी हो गई, तो हमने क्या सोचा है मनोकामना किसने पूरी करी, भगवान ने, बस यही तो समझना है। इसी के लिए तो 7 दिन मुझे मेहनत करनी है और आपको भी, जो मंदिर हम गए अपनी 100 मनोकामना हम बोलते थे और 2 मनोकामनाएं बाय चांस कोइंसिडेंस से पूरी हो गई तो हमने सोचा कि हमें भगवान की पूजन करने का फल मिल गया, लेकिन पूर्व जन्म में तुमने जो कर्म किए थे उन कर्मों का फल के रूप में इस जन्म की मनोकामना तुम्हारी पूरी हुई है, इस बात को हम जान ही नहीं पाए। अगर ऐसा होता तो भगवान की पूजन करने वाले कभी दुखी नहीं होते और पूरे जगत में धर्मात्मा हो जाते कि कितना ही बड़ा दुख हो जल चढ़ा दो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, नहीं नहीं, ये प्रारब्ध है, ये पूर्व जन्म के कर्म है जो हम अभी यहां बैठे, जिनमें कुछ खराब कर्म किए तो दुख मिल गया और कुछ सुखस्य दुखस्य नको पिता और कुछ अच्छे कर्म किए तो उसके कारण भगवान की कथा मिल रही है और यही कथा आपके अच्छे कर्मों को बढ़ा रही है और केवल इस मनुष्य शरीर में इस कथा को धारण कर सकते हैं। आप तो इतना संकल्प ले लें, बस शिव महापुराण में सूत जी कह रहे हैं कि यह जन्म हमारा आखिरी जन्म होगा, इसके बाद हम कभी जन्म नहीं ले भगवान, बस इतना होगा, इतना इतना कर लीजिए। और वो कब होगा, बोले जब खूब मन वचन कर्म से इनकी कथा को सुनने लगे, इनको ही सब कुछ मान ले। कोई कोई पत्नी होती ना अपने पति को क्या कहती, प्राण धन है ना, हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्राण धन होता है उसका, जो उसका सब कुछ होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी भगवान आपके प्राण धन होना चाहिए, जिस दिन से ये आपके प्राण धन बन जाएंगे उस दिन आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और इसमें हमारा भी दोष नहीं कि नए नए भगवान आज के समय में बन रहे तो हम उनको पूज रहे, ये कलयुग का दोष ही है। प्रकट भय बहुपंथ, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि कलयुग में नए नए पंथ प्रकट होंगे। एक पंथ का नाम सुना होगा आपने, कबीर पंथी सुना है सभी ने, सुना, तो वो कहते हैं कि हम कबीरदास जी को मानते हैं, कबीरदास जी को मानते हैं लेकिन कबीरदास जी की नहीं मानते। हाँ, ये लोग आपस में आपको ज्यादातर ट्रेनों में टकरा जाते हैं। कबीरदास जी ने अपने जीवन में जो जो कहा उसमें से कुछ बातें इन्होंने ग्रहण कर ली और रामकृष्ण को गाली देना शुरू कर दी तो वो हो गए कबीरपंथी। परंतु कबीरदास जी के जीवन को देखा जाए तो कबीरदास जी के जीवन में भगवान का भजन कहां से प्रारंभ हुआ जानते हैं? जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज घाट के किसी तट पर बैठे थे, बैठे बैठे झोंका आया तो वहीं बिस्तर आसन लगा के लेट गए।
और लेट गए तो झपकी लग गई। कबीरदास जी वहां से निकल रहे थे, पैर लग गया दंडी स्वामी को, पैर लग गया कबीरदास जी। और जैसे ही पैर लगा तो रामानंदाचार्य जी की नींद खुली तो मुंह से निकल गया, अरे राम राम। तो कबीरदास जी ने कहा, हम तो गुरु ढूंढने निकले थे, गुरु मंत्र लेने, गुरु जी को पैर लग गया, मुंह से जो निकल गया वही मंत्र हो गया। बस रुके थोड़ी, वहां रुके नहीं, कबीरदास जी निकल गए। कबीरदास जी निकल गए, बोले क्या मंत्र लेके आए? बोले जो गुरु जी ने कहा था, राम राम। हाँ, कल्याण चाहने के लिए छोटी सी बात चाहिए, केवल एक छोटी सी बात आपके जीवन का कल्याण कर देगी। होता है ना समाज में, अपने जीवन में, आप सबके घर परिवार में एक ना एक व्यक्ति ऐसा होगा जिससे आप 20 साल से बातें ही नहीं करते, है ना? और उसकी बात करो तो ये भी कहते हैं, उनकी बात मत किया करो हमारे सामने, ऐसे कहते हैं। आपसे पूछे कि बहन जी आप उनसे बात क्यों नहीं करती, तो बोले आज से 25 साल पहले एक शादी में मिले थे, उनने हमसे ऐसा कह दिया था तो हम उनसे बात ही नहीं करते। हाँ, 25 साल पहले उन्होंने हमसे क्या कहा था वो हमको याद है, लेकिन अभी 25 मिनट पहले कथा में कौन सा श्लोक बोला गया वो देखना पड़ेगा, फिर से सुनना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य देखिए, यह जो शरीर है ना, यह जो बुद्धि है, आप इसमें क्या क्या रखने वाले हैं, कितना कचरा बटोरने वाले हैं, बस इसी से सब स्पष्ट हो जाएगा। आप जो जो इसमें रखेंगे वो सब आपको ही परेशान करेगा, वो आपको ही दुर्गंध देगा, इसलिए कुछ मत रखो मन में। उसका सबसे अच्छा साधन है कि कम से कम लोगों से अपना संबंध रखिए, गिने चुने लोगों से मिलिए जो केवल भगवत चर्चा करते हो, जो आपके भजन को बढ़ाते हो। इतना करने लगे आपका जीवन कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बहुत अनमोल जीवन मिला है प्रेमियों, दोबारा नहीं मिलेगा। इसको धारण करने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे तो आप विचार करें, आज आपके यहां जब सुबह पूजन कर रहे थे तो आपने कहा कि सुबह सांप निकले है ना, तो सुबह ही दर्शन हो गए, सांप निकला और जब हम लोग आ रहे थे तब उसको लड़का पकड़ने आया था, तो हम सब लोग क्या कह रहे, भैया बाबा के दर्शन हो गए, शंकर जी का अनुष्ठान था और सर्प का दर्शन हो गया, भोलेनाथ ही मानते हैं, लेकिन उस सर्प से पूछो वो क्या सोच रहा था। वो सर्प कह रहा था, रे मनुष्य तू मुझसे कई गुना ज्यादा भाग्यशाली है कि तू आज इस मनुष्य तन में उन शिव की कथा सुन पा रहा है। अखबारों में कई बार खबर आती है, एक बहुत बड़े अधिकारी दिल्ली में शांत हो गए थे तो उनके पास संपत्ति निकली 5 करोड़ रुपए, आईपीएस अधिकारी थे, कलेक्टर कमिश्नर रहे होंगे, और 5 करोड़ की जो संपत्ति थी वो अपने कुत्ते के नाम कर गए। हाँ, क्या कर गए? अभी एक और खबर आई थी, मैं गायों के विषय में कुछ पढ़ रहा था तो दिखा था थाईलैंड में एक भैंसा जो है वो 20 करोड़ रुपए में बिक गया। तो वो भैंसे को बुला के पूछा जाए कि भाई साहब आप अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं क्या, आप 20 करोड़ में बिक गए? तो वो भी कहेगा भाग्यशाली तो तब मानते हैं, हमको इंसान बना दो। उस कुत्ते से पूछो तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिल गए आप भाग्यशाली हैं, तो कहेगा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जो मनुष्य है, और हम मनुष्य बनने के बाद भी उस भाग्य नहीं समझ पा रहे, सराहना नहीं कर पा रहे। संतों ने कहा है ना, आइए दोषण गुनगुना ले, बहुत देर से कथा चल रही है। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करो आनंद से, आनंद है तो ताली बजाते हो, कितने अच्छे लगते हैं ताली। बोलिए शिव महापुराण की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कोई मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए मां अपनी महादेव मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। ओ मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतवार है। समल समल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। समल समल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। समल समल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। समल समल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मन की अखियां खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, बुला है पानी का मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले प्राणी, पता नहीं नेक कमाई कर ले प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोल रे मिट्टी में ना रोल रे, कभी नहीं कभी नहीं।
इस जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इस जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़े सौभाग्य विषय जी, आज कथा के प्रथम दिवस शिव महापुराण कथा में ब्राह्मणों का आगमन, ब्राह्मणों का संतों का दर्शन तो सदैव ही मंगलकारी है। पहले जोरदार तालियों से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन, विप्र चरणों में दास का कोटिशा वंदन सादर प्रणाम। मैं एक सूचना आपको दे दूं, बड़ी सुंदर है। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ के विषय में यही विवेकानंद घाट पर यहीं पर ही है। अच्छा जी, हमारे मध्य मंच पर विराजमान यज्ञाचार्य आचार्य श्री विजय महाराज जी, दिनांक 12 जनवरी है ना जी, 12 जनवरी से 16 जनवरी तक 2023 यही विवेकानंद घाट नर्मदापुरम में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का सुंदर आयोजन होना है। और किस प्रयोजन से, तो इसमें बड़ा सुंदर लिखा है, मैंने सबसे पहले पढ़ा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के हित के लिए। यज्ञ के विषय में प्रेमियों कहा गया है, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं, विधिवत कोई यज्ञ कर दिया जाए तो उस यज्ञ से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और पहले तो सनातन धर्म में कितना सुंदर क्रम बना दिया गया है कि प्रतिदिन घर में यज्ञ होना चाहिए। पहले तो घरों में होता भी था कि कुछ हो चाहे नहीं हो, पर 12 बजे छोटा सा हवन सभी लोग करते थे, धूप छूटी जाती थी, यज्ञ कर ही लेते। जो लोग अपने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, ठीक करो, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो वो सोमपीथी नाम के पितर बनते हैं। वाराह पुराण में लिखा है, ध्यान से सुन लीजिए, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अब ये यज्ञ तो होते नहीं, सोम यज्ञ बड़ी कठिन जिसकी विधि थी, बड़े विधि विधान से होते थे, तो ये यज्ञ जो लोग करते थे वो बनते थे सोमपीथी नाम के पितर। पितरों की भी कैटेगरी होती है कौन से क्या बनते। और जो लोग ये नहीं कर पाते थे, छोटे मोटे यज्ञ हवन करते थे, जैसे सत्यनारायण कथा हुई तो हवन कर लिया, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराया तो पूर्णाहुति हवन कर लिया, जैसे सुंदर यज्ञ विधिवत लक्ष्मीनारायण यज्ञ, इसमें आप यजमान बन के सम्मिलित हो गए, तो वो लोग बनते थे बराहेखद नाम के पितर। इसलिए जब भी जीवन में कभी यज्ञ करने का अवसर मिले तो बिना सोचे समझे पूरे विधि विधान को जानकर उसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए, आहुति दे देनी चाहिए, अपनी ओर से सहयोग प्रदान करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ माने भगवान का भोजन। भोज भंडारे होते तो लोग कहते ना, हमारी ओर से इतनी शक्कर, हमारी ओर से इतना तेल, तो ये सब तो करते ही हो, लेकिन भगवान के भोजन के लिए आप क्या प्रबंध कर रहे हैं। वर्ष में एक यज्ञ कीजिए, एक यज्ञ एक परिवार को वर्ष में करना ही चाहिए, और नहीं तो कहीं यज्ञ हो रहे हैं तो उसमें यजमान बन जाए, सुंदर अवसर। और मैंने तो कहा ही ये वर्ष बड़ा विशेष है क्योंकि इसमें पुरुषोत्तम महावी है, माघ महीना लगनी, माघ महीना में तो है ये सुंदर यज्ञ। और आचार्यगण कहां से पधारे हैं, तो प्रभु श्री राम की सुंदर भूमि अयोध्या से आप सभी पधारे हैं। देखो भाई, कृष्ण की कथा तो सुनते ही हो, वृंदावन धाम से आपके पहले यहाँ भी कोई महाराज जी आए थे ना, अयोध्या धाम से। वाह, अयोध्या की तो महिमा इतनी दिव्य, और इस समय तो वाह क्या आनंद है, राम जी का जो घर बन रहा है वहां पर ऐसा बन रहा है पूरे विश्व पटल पर इसका नाम हो जाएगा, ऐसी भूमि से आचार्यगण पधारे हैं। इसमें समय दिया है हवन का 8 बजे से 12 बजे तक का, और पाठ का समय दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक, यही समय है ना। श्री सोनी परिवार का सुंदर सहयोग इसमें है, और आप सभी से मेरा यही निवेदन होगा, कहीं अच्छा काम हो रहा हो तो उसमें अपना सहयोग कर देना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं तो अपना हाथ ही लगा देना चाहिए, अपनी स्वेच्छा अनुसार कुछ सहयोग करें तो वहां पहले पूछ लेना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकता को हम पूरा कर सकते हैं, तो उसमें हमें यजमान बनकर सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं। जो अपने जीवन में कोई भी यज्ञ नहीं करता ना प्रेमी, कोई छोटा मोटा हवन नहीं करता, कभी यज्ञ में सम्मिलित नहीं होता, तो वो सबसे थर्ड क्लास पितर बनते हैं, अग्निखात्र नाम के, वराह पुराण में लिखा।
उनके परिवार के लोग उनके लिए कितना ही तर्पण करें, कितने ही ब्राह्मणों का भोज कराएं, उनको मिलता ही नहीं, भूखे ही प्यास रहते। क्यों? उन्होंने कभी यज्ञ ही नहीं करा था। आप अपने जीवन में यज्ञ करके जाएंगे तो या तो सोम पीथी बन जाए या बर हिखत बन जाए, सुंदर पितर बन जाइए। माघ महीने में इस यज्ञ में सम्मिलित होगा, दास का भी प्रयास रहेगा। वैसे तो 11 से 18 में शायद हम कथा में हैं, लेकिन जैसा समय रहा तो प्रणाम करने का मुझको अवसर मिलेगा, मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। तो आपके विवेकानंद घाट पर, इस घाट पर ये बहुत सुंदर घाट हो गया है पहले से, कितना विधिवत मंदिर बन गया, इतने विधिवत लाइन से सुंदर मंदिर कम ही देखने को मिलते हैं। और बड़ी सुंदर सेवा मंदिर में होती है, सुबह सुबह कितनी घंटियों की आवाज आती है यहाँ पर, बड़ा सुंदर वातावरण है। और यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को तो यही समझना चाहिए कि आप किसी गली मोहल्ले में नहीं, आप तो एक मंदिर ही में रह रहे हैं महाराज। उसी मंदिर में नदी बह रही है, उसी मंदिर में ढेर सारे मंदिर है, भगवान का स्तवन पूजन होता ही रहता है, आचार विधिवत। यहाँ के जो मंदिर संभाले जाते हैं, जिन पंडित जी आचार्य जी के द्वारा बहुत सुंदर सेवा करते हैं वे सब जी, क्योंकि विधिवत उसको पूरा मेंटेन रखते हैं, सेवा करते हैं, सारे पर्व यही मनाए जाते हैं। नर्मदा जी की मूर्ति तो कितनी सुंदर है, कम से कम इतनी बड़ी मूर्ति तो मंदिर में होनी चाहिए कि दिव्य दर्शन करिए नर्मदा जी का। सविंदु सिंधु सुस्थल तरंग भंग रंजित, नीचे भी नर्मदा है, ऊपर भी नर्मदा है। तो ऐसे ऐसे यज्ञ में आप सभी सम्मिलित हो गए, सहयोग प्रदान करें, और विवेकानंद घाट भी होगा, यज्ञ का दर्शन भी वर्ष में होना चाहिए और यज्ञ होते रहना चाहिए। तो कथा में पुनः हम लोग प्रवेश करते हैं। बोलिए शिव महापुराण की। तो सूजी महाराज ने जब बड़ी सुंदर बात कही मनुष्य जन्म के विषय में, शौनक जी ने पूछा कि जो कथा शंकर जी की आप हमें सुना रहे हैं, यह कथा सुनने के अधिकारी कौन है और क्या कोई पृथ्वी लोक पे इस कथा को सुन के तरा है क्या, जिसका कल्याण हो गया, एक आध कोई कथा सुनाओ। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग आज की मूल कथा। सूत जी महाराज कहने लगे, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ध्यान से सुनना, किरात नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, इनका नाम था देवराज, बस कहने को ब्राह्मण थे। रस बेचने का काम करता था, शिव पुराण में लिखा रस माने मदिरा, मदिरा बेचने का काम करता था। धीरे धीरे कुकर्मों में इसकी वृत्ति हो गई, आगे जाके विवाह हो गया, लेकिन चोरी डकैती भी करने लगा, एकांत में लोगों की जाकर हत्या कर दे, उनके धन को छुड़ा ले। और देवराज नाम का ब्राह्मण, इसका नाम दूर दूर तक हो गया। एक बार की बात है, देवराज एक नदी के तट पर भ्रमण कर रहा था और वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। ध्यान सुनिए, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, चोरी डकैती के लिए घूम रहा था, किसी को ढूंढ रहे, तो इसने एक स्त्री को देखा नदी के तट पर, बहुत सुंदर, और उस स्त्री का नाम था शोभावती। ध्यान सुनना, और परम सुंदरी महाराज, इतना आभूषण पहनी, ये इसको देखकर उसके पास गया, और उसके पास गया तो उससे कुछ बात करने लगा, और ये भी इससे हंसकर कुछ बातें करने लगी, तो दोनों आपस में मित्र बन गए, मित्रता हो गई। इसने शोभावती से कहा कि तुम कौन हो, तो इसने कहा मैं गणिका हूं, अर्थात मैं वैश्या हूं। अच्छा, तो बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे घर चलोगी? तो कहने लगी मैं गणिका हूं, मुझे धन देगा तो जहां बोलेगा चल दूंगा। देवराज के पास सुंदर एक सोने की मोहरों की पोटली थी, इसने पूरी पोटली ली और शोभावती को दे दी। ले शोभावती, अब तो मेरे साथ चलेगी। अरे बोले, इतने में तो मैं तेरे साथ जीवन भर रह लूंगी, चल चिंता मत कर तू, मैं तुझे रोज धन ला के दूंगा इतना। वो शोभावती देवराज के घर आ गई, और यहां तो इसकी पतिव्रता पत्नी थी, इसने देखा तो, लेकिन देवराज ने अपनी पत्नी को पीटा, माता पिता ने समझाया तो माता पिता से भी झगड़ गए। एक दिन की बात है, घर में कुछ कलह हो रहा था, शोभावती ने कहा या तो तुम्हारी ये पुरानी पत्नी रहेगी या तो मैं रहूंगा। काम से मोहित था, रात्रि में इसने क्या किया, अपने सोते हुए माता पिता को मार डाला। देवराज बूढ़े माता पिता थे, 90-90 वर्ष, इनको मार डाला। पत्नी जा गई, पत्नी चिल्लाई तो पत्नी का भी गला पकड़ लिया, पत्नी को भी मार डाला। खुद के ही दो छोटे छोटे बच्चे जाग गए, रोने लगे, तो अपने दोनों हाथों से बच्चों का गला पकड़ा, दोनों बच्चों को भी मार डाला, पांचों की हत्या कर दी, मार डाला। और शोभावती को संग लेके निकल गया वहां।
दूर निकल गया। धीरे धीरे शरीर वृद्ध होने लगा, शोभावती को धन दे नहीं पाया, चोरी डकैती धीरे धीरे बंद हो गई, तो ये अकेला सा हो गया, शरीर वृद्ध हो गया। एक दिन की बात है, भूख प्यास लग रही थी, किसी नगर में भ्रमण कर रहा था, वहां शंकर जी का एक मंदिर था। आज शंकर जी के इस मंदिर में ये बाहर जाके बैठ गए, शरीर में थकान थी, तेज बुखार आया, सीढ़ियों पर ही सो गया। तो किसी महात्मा ने मंदिर में कहा, कौन हो भैया, सीढ़ियों पे क्यों पड़े हो, वर्षा हो रही है, गीले हो जाओगे, और भीतर बरामदे में सो जाओ। तो ये उठ के गया, धीरे धीरे उठ के, बुखार तेज था शरीर में, और वहां पर लेट गया। उस समय मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी, और ये सो ही रहा था, सोने का प्रयास कर रहा था, तो दो चार श्लोक शिव पुराण के कान में पड़ गए, और इतनी तेज बुखार इसको रात्रि में आया, ज्वर आया, कि देवराज का शरीर छूट गया, मर गया। यम के दूत आए, इसके प्राणों को खींचने लगे और ले जाने लगे, और लेकर भी चले गए। शिव पुराण में लिखा है यम की अदालत में ले गए, लेकिन यमराज ने जब इसके पूरे हिसाब किताब को देखा तो बोले, भले ही बहुत बड़ा पापी था, ये मानव पाप तस्तु सर्वदा वाला पापी था, लेकिन ये नरक में नहीं जाएगा। क्यों? बोले, भले ही कितना बड़ा पापी था, लेकिन इसने अनजाने में भगवान शंकर की कथा को मरते मरते सुन लिया, इसलिए इसको शंकर जी के पास भेजो रे, ये वहां जाए। बोले, लेकिन कथा तो पूरे ध्यान से सुनी जाती है, आपने ये सुना है ना, दत्त चित्त होकर कथा सुनते हैं, और इसने तो तेज बुखार था, बेहोशी की अवस्था में ही कथा सुनी होगी, और कथा सुनने ही थोड़ी मंदिर में आया था। बोले, नहीं, केवल भोलेनाथ की कथा की इतनी महिमा है, अगर कोई व्यक्ति पूरे होश में सुन ले या फिर अनजाने में सुन ले, ये कथा जब कान में पड़ जाएगी तो इसका काम कल्याण करना है ही। पानी का स्वभाव जानते हैं ना कैसा होता, नर्मदा जी का जरा भी ठंडा है कि गर्म है, बताओ, ठंडा। और इस ठंडे पानी को अगर आप आग पे डाल दें तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो आपने कहा आग क्यों बुझ गई, बोले ठंडा ठंडा पानी डाल दिया था तो बुझ गई। अब कोई व्यक्ति उस पानी को खूब खोला के ले आए, उबाल कर ले आए, और फिर आग पे डाले तो क्या होगा जी, तो अभी बुझ जाएगी। फिर गर्म करने से पानी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा ना, जैसे पानी का स्वभाव है माताओं और प्रेमियों आग को बुझाना, ऐसे ही भगवान शंकर का स्वभाव है कि किसी भी अवस्था में कोई मनुष्य मेरा नाम लेगा उसका कल्याण मुझको करना ही है। ये शंकर जी की महिमा, भोलेनाथ की महिमा। और शिव पुराण में लिखा है, वही देवराज नाम का ब्राह्मण, कहने को तो ब्राह्मण था, मात्र पितृ वधू हंता, माता पिता पत्नी बच्चों को मार डाला था, होगा कोई ऐसा, और जीवन भर चोरी डकैती मदिरा का पान मांस का सेवन किया, वैश्यागामी च मद्यपः, वैश्यागामी हो गया था। देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत् क्षणात्, ऐसे देवराज ने भी भूलवश शंकर जी की इस कथा को सुना तो एक ही क्षण में उसकी मुक्ति हो गई। बताइए, वो शिव पुराण की कथा को जो विधिवत अनुष्ठान करा के संकल्प लेके सुन रहे हैं, क्या शंकर जी उनका कल्याण नहीं करेंगे? पहली तो यह कथा सुनी, और भोलेनाथ की महिमा बताई। आगे इसी शिव महापुराण में जब शौनक जी महाराज ने पूछा कि एक और कथा इससे संबंधित सुना दीजिए प्रभु सूत जी महाराज, तो सूत जी महाराज कहने लगे, आप ध्यान से सुनिएगा, ये तो पुरुषों से संबंधित कथा थी ना, एक कथा शिव पुराण में माताओं से संबंधित भी, ध्यान से सुनिए। समुद्र के निकट एक गांव था जिसका नाम था वाशकल, ध्यान से सुनिए, वाशकल नाम का एक ग्राम था जहां पर वैदिक धर्मों से विमुख लोग रहते थे, ऐसा कोई गांव जो किसी धर्म कर्म को नहीं मानते थे, ऐसे लोग रहते थे, कोई हवन पूजन नहीं, कोई यज्ञ तर्पण नहीं, कोई कथा पूजन नहीं, कथा वार्ता नहीं, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई धर्म कर्म नहीं, ऐसे लोग उस गांव में थे। ऐसे गांव में बिंदुग नाम का एक व्यक्ति रहता था, यह भी बड़ा दुष्ट था। कालांतर में बिंदुग का विवाह हो गया, और बिंदुग नाम के व्यक्ति का जिससे विवाह हुआ उस देवी का नाम था चंचुला, ध्यान सुन। चंचुला के विषय में शिव पुराण में लिखा है, परम सुशील थी, घर का कार्य करने में बहुत कुशल थी, सुंदर तो बहुत थी महाराज, घर का भोजन भी बहुत सुंदर बनाती और बहुत विनम्र भी थी, सबका आदर सत्कार करती थी। इसका विवाह इस अधर्मी बिंदुग से हो गया, और बिंदुग से विवाह हो गया, लेकिन बिंदुग जो था वो चरित्रहीन था महाराज, और बिंदुग अपनी पत्नी के साथ तो एक भी दिन नहीं रहता बाहर, अन्य स्त्रियों के साथ इसके संबंध थे, अन्य महिलाओं के साथ भ्रमण करता था, वैश्यागामी हो गया था।
और यहाँ जब से पत्नी विवाह होकर आई तब से एक भी दिन बिंदु उसे समय नहीं देता। तो इसने कहा जब मेरे पति चरित्रहीन हो गए हैं तो मैं भी चरित्रहीन हो जाऊंगा। शिव पुराण में लिखा जब पति कहीं बाहर चला जाता कुछ दिनों के लिए वो बिंदु तो चंचला चार पुरुषों के साथ पर पुरुषों के साथ घूमती फिरती रमण करती रात्रि में विश्राम करती। एक दिन रात में चंचला किसी चार पुरुष के साथ विश्राम कर रही थी। इतने में मध्य रात्रि में बिना बताए बिंदु आ गया। इसने धक्का मार के दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे ही चंचला के साथ वो जार पुरुष था ये तो खिड़की से कूद के भाग गया और चंचला को बिंदु ने पकड़ लिया और मुक्कों से मारने लगा और कहने लगा तू चरित्रहीन हो गई है री दुष्टा, तुझे लाज नहीं आती कि जार पुरुषों के साथ एकांत में रमण करती है। तो पहले तो वो चंचला सुनती रही और बाद में कहने लगी आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, मैं इस युवती अवस्था में कामासक्त हो गई हूं, आप बताइए जब से विवाह होकर आई हूं आप मुझे समय नहीं देते तो मैं इस युवा अवस्था का क्या करूं, बताइए मैं यौवन की मारी कहां जाऊं। तो बिंदुग ने एक कदम आ गई था मारा तो इसने कहा कि मैं तुझे मना नहीं कर रहा हूं कि चार पुरुषों के साथ मत रहा कर, तू तो रहे और जितने पुरुषों के साथ तुझे संबंध रखना हो रख, लेकिन उसके बदले तू उनसे धन ले लिया कर और मुझे धन दे लिया कर क्योंकि मुझे धन की आवश्यकता है। चंचला प्रसन्न हो गई और चंचला चार पुरुषों से धन लेने लगी और बिंदु को देने लगी और बिंदु का भी यहां धन से काम काज होने लगा, मदिरापान जुआ खेलना और चंचला तो भ्रष्ट हो ही गई। एक बहुत ऊंची बात शिव पुराण में लिखी है कि इस कलयुग में सबसे बड़ा धन क्या है जानते हैं, कि आपका चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन है चरित्र धन। अपने चरित्र को जो साफ नहीं रख सकता, जिसका चरित्र निर्मल नहीं होता, उसको सपने में भी भगवान नहीं मिल सकता। या तो फिर जीवन में इतना पश्चाताप और प्रायश्चित जितना अभी इसके जीवन में होगा, चरित्रहीन हो गए। बिंदु तो महाराज क्या हुआ, एक दिन इतनी मदिरा पी ली बीमार हो गया और शरीर छूट गया, मर गया बिंदु। मर करके पहले तो जितने भी नरक थे हर एक नरक में 100-100 वर्षों तक रहा, इतना बड़ा पापी था। और इसके बाद भी जब पाप कम नहीं हुए तो भगवान ने इसको प्रेत बना दिया विंध्य पर्वत पर, जो विंध्याचल पर्वत है इस पर भयंकर प्रेत बना दिया कि नरक भोगने के बाद भी जिन लोगों के पाप कम नहीं हो पाते तो उनको प्रेत बना दिया जाता है। और प्रेत बना दिया, बिंदु को प्रेत बन गया और चंचला तो बूढ़ी हो ही गई थी, लगभग 50-55 वर्ष की हो गई। एक दिन शंकर जी के मंदिर में कथा हो रही थी और पंडित जी महाराज छोटा सा तखत लगा के शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और उस पुराण में ये बात आई। पंडित जी कह रहे थे जो स्त्री चरित्रहीन हो जाती है जार पुरुषों के साथ रमण करती है तो मृत्यु के पश्चात यम के दूत उसके शरीर के छिद्रों में पिघला हुआ पारिक भर देते हैं, पारा भर देते हैं, पिघला हुआ तपता हुआ। जैसे चंचला ने सुना तो हाथ पर कांप गए। पूरी कथा पूरी हुई, पंडित जी के पास पहुंची और रोने लगी। पंडित जी महाराज अभी अभी आप कह रहे थे कि जो स्त्री अपने जीवन में चरित्रहीन हो जाती है जार पुरुषों का रमण कर लेती है तो मृत्यु के पश्चात यमदूत उसके शरीर में पारिक भर देते हैं, पारा भर देते हैं, भयंकर कष्ट देते हैं। हाँ बोले लिखा ये श्लोक भी है और ये अध्याय भी पढ़ ले, पढ़ना आता हो तो। कांप गया शरीर महाराज, कटहल के कांटे की तरह शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और रोने लगी। पंडित जी महाराज इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, मेरा नाम चंचला है, मेरे जीवन में तो गिनती नहीं कि मैंने कितनों के साथ में रमण किया है और कितनी बार मैं चरित्रहीन हो गई हूं। मेरा पति था उसके बाद भी पति के कहने पर मैं मार्ग से फिसल गया। तो पंडित जी ने कहा देवी रो मत, खूब समझाया रो मत, रोती जा रही रोती जा रही, रोते रोते मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई और फिर उठी। हाय मैंने क्या कर दिया, मैं तो जीते जी मर गई, अब यम के दूत मेरे शरीर में पिघला हुआ पारिक भर देंगे, हे राम मुझे कितना कष्ट होगा। पंडित जी ने कहा चिंता मत कर तू, ये बहुत ऊंची बात मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप आज की कथा में लिखने लायक बात है ये। जैसे भागवत की और राम कथा सुन, भागवत की कथा और राम कथा सुनने आते हैं तो कहते ना माला झोली साथ में लाया करो, माला करते रहा करो साथ में, ऐसे ही जब शिव पुराण की कथा सुनने आओ तो माला झोली तो लाया करो लेकिन कल से एक डायरी पेन भी लाया करो क्योंकि इसमें लिखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। कितनी ऊंची, मुझे तो ये प्रसंग जब आता है और इसमें यह जो श्लोक आता है तो इस पर चिंतन करने के लिए पूरा दिन ही मुझको कम पड़ जाता है कि बात कितनी दिव्य है और कितनी ऊंची बात कही है पुराण, चिंतन की बात है। किसी व्यक्ति से ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति से अगर पाप हो जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका
प्रायश्चित करना पड़ेगा। सुन रहे हैं, बोलो जय श्री हरि। पाप का प्रायश्चित करोगे तो क्या होगा, पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर पाए, शिव पुराण में लिखा है अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर पाए लेकिन अपने मन से खूब पश्चाताप कर ले, हाय राम उससे क्या हो गया, कान पकड़ ले, खूब तौबा कर ले, खूब भगवान के सामने नतमस्तक हो जाए, तो उसको प्रायश्चित करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ना ही सूजी महाराज कह रहे हैं, शिव महापुराण में भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं, पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यम विषये शुचा। जैसे अपने जीवन में वैराग्य धारण करने से मुक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही अगर अपने जीवन में अपने पापों का पश्चाताप अगर कोई व्यक्ति कर ले कि हे भगवान गलती तो हमसे हो ही गई। एक भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे क्या है, द्वार तुम्हारे अपने नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि मेरी चादर तो मैली हो ही गई है और मैली चादर ओढ़ के ही तो द्वार तुम्हारे। हम तो मनुष्य है भगवान, हमसे तो पाप हो ही जाएंगे, दाग तो लग ही जाएगा इस सफेद चादर में। हम इसको ओढ़कर आपके पास आ गए हैं और आप तो भगवान हो, आप तो दीन बंधु हो, आप तो भक्त वत्सल हो, आप तो करुणा निधान हो, आप तो भोले भंडारी हो, आपका तो काम ही इसको पवित्र करना है। हे भगवान इसको पवित्र कर दो। लेकिन ये आप कब बोल पाएंगे जानते हैं, जब आप अपने आप को नीच मानेंगे, नैचानुसंधान करेंगे, पश्चाताप करने लगी। और पश्चाताप के विषय में माता बहुत बड़ी बात लिखी पड़ेंगे, पश्चाताप पापकृता पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सिद्धिं सर्व पाप विशोधनम्। और सरलता से बताऊं, किसी लड़के से एक कांच का ग्लास टूट गया तो उसके पिताजी ने कहा किसने फोड़ा, बताओ, जो सच सच बता देगा तुम तीनों बच्चों में से मैं उसको पीटूंगा, उसको मारनी पड़ेगी। तो जो सबसे ईमानदार बच्चा था ना, उसने कहा सच बोल दो, हमने ही फोड़ा। तो बताइए, कांच का ग्लास भी फोड़ दिया, कबूल भी कर लिया और उसके बाद मार भी नहीं पड़ी। क्यों? उस बच्चे ने पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कांच फोड़ने का प्रायश्चित था कि गाल पे एक चांटा पड़े पिताजी के हाथ से। लेकिन क्यों नहीं पड़ा, उस बच्चे ने पश्चाताप कर लिया। शिव पुराण में बहुत ऊंची बात लिखी है, आपके जीवन में जब कोई बहुत बड़ा पाप आपसे हो गया जिसको केवल आप जानते हैं और भगवान जानते हैं, तो इसका आप पश्चाताप कर लीजिए, हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में चले जाइए और शरणागति कर लीजिए और संकल्प कर लीजिए, हे भगवान अब यह पाप दोबारा नहीं होगा, तब जाकर के आपको पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। चंचला ने कहा अब वो पाप हो गए ठीक है, लेकिन अब पुण्य कैसे बढ़ाऊं? तो पंडित जी ने कहा अभी 5-6 दिन की कथा और बची, कल से रोजा का सुनना। जानते हैं चंचुला के विषय में क्या लिखा है? तो जीवन में चरित्रहीन हो गई थी वह चंचुला। अगले दिन से जब कथा को सुनने आई, शिव कथा को सुनने, तो सुंदर नदी में तीर्थ में स्नान करके आई, गोकर्ण तीर्थ में। और गोकर्ण तीर्थ में स्नान करके आई, इसने अपने बालों में रेत लगा ली, मट्टी लगा ली, बालों को जटा की तरह बांध लिया, हाथों में, गले में, मस्तक में रुद्राक्ष को धारण कर लिया, भस्म का त्रिपुंड लगा लिया। और मेरा निवेदन होगा आप सभी से कि शिवपुराण की कथा सुनने आए तो भले ही माता हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, बिना त्रिपुंड लगाए यहां नहीं बैठा करिए, क्योंकि शिवपुराण में लिखा है, भोलेनाथ कह रहे हैं कि बिना त्रिपुंड धारण करे, बिना रुद्राक्ष पहने अगर शंकर जी के सम्मुख जाते हैं तो वो चांडाल के समान होते हैं। और चांडाल को देख लो ना, तो इतनी ठंड में कपड़ा सहित हमको नहाना पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ेगा नहाने कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप में कोई त्रिपुंड नहीं लगाया। बस माताओं को सूखी भस्म का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए, सजलम भस्म। परसों की कथा में प्रमाण सहित सुना देंगे, माताओं को भस्म लगानी चाहिए, कैसी लगानी चाहिए। और शंकर जी का माताओं के चेहरे पर तो बड़ी सुंदर लगती है भस्म, उनको त्रिपुंड धारण करना चाहिए, लाल बिंदी धारण करना चाहिए और त्रिपुंड लगाकर ही भोलेनाथ की कथा। और जैसे आप लोग स्कूल में होता ना, कॉलेज और स्कूल में फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह, तो उसमें होता है कि ये कपड़ा पहन के आना है ना, जिसको कहते हैं कि विशेष पोशाक या ड्रेस कोड। तो ऐसे ही भगवान की कथा में आ, तो माथे पर चंदन त्रिपुंड तो लगा, और ना हो तो कल से एक टेबल यहाँ रखी है, इस पर रख देना भैया, आचार्यों से कह देते हैं वो रख देंगे, और यहाँ आके त्रिपुंड लगाया करो, फिर अच्छे से बैठा। यम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख घबरावे। जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा होता है, गले में रुद्राक्ष होता है, यम के दूत उनके निकट नहीं आते, ये क्यों धारण करते हैं?
कल से त्रिपुंड धारण करेंगे। चंचला ने त्रिपुंड धारण कर लिया, बालों को जटा जैसा बांध लिया, रुद्राक्ष धारण कर लिए और हाथ जोड़कर रोते रोते पूरे भाव से दीनहीन होकर अपने आप को नीच मानकर शिव जी की कथा सुने सुनी और अंततो गत्वा शिव पुराण में लिखा है कि जब चंचला का शरीर छूता तो वह चंचला भी भगवान शिव के लोक को चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे पाप इसके थे कि कोई महिला उसके पापों को पढ़ ले या सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे पाप किए। लेकिन इसने पूरा मन लगा के अंत समय में भगवान शिव की कथा सुनी, भगवान शिव के लोक गई। अरे लोक क्या, शिव पुराण में लिखा है पार्वती जी की सबसे खास सखी बन गई चंचुला। पार्वती जी की जो सबसे खास सखियां है ना, उनमें चंचुला का नाम पहले आता है। एक दिन पार्वती जी की सेवा कर रही माता पार्वती, मैं आपकी स्तुति करूं, बोले करूं। तो उसने स्तुति करी, पार्वती जी ने कहा इतनी सुंदर स्तुति तू करती है, ये बता तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि तू मेरी सखी हो गई। तो चंचुला ने बताया कि मैंने जीवन के अंतिम समय में शिव पुराण सुना था। अच्छा, लेकिन मैं तो तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ, पार्वती जी ने कहा। और चंचुला सखी तू मुझसे कुछ मांग ले, तो कहने लगी मैं तो यही मांगना चाहती हूँ कि मेरा पति इस समय कहाँ होगा बिंदुग, और वो भी शिव जी की कथा सुन पाए और इस लोक में आ जाए, हम दो ही जोड़ा से तुम्हारी सेवा करेंगे। तो पार्वती जी ने अपने तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया, तो शंकर जी की कथा को गा गा के सुनाता था। आगे माता जी कहिए क्या होगा, बोले इसके पति बिंदु को ढूंढ लाओ, कहाँ है इस समय। तो माता पार्वती ने भी ध्यान किया और यहाँ तुम्बुरु ने भी देखा, अरे बोले वो तो विंध्य पर्वत पे प्रेत बना, जाओ ढूंढ लाओ, शंकर जी कथा सुनाओ और यहाँ ले आओ। तो शिव पुराण में लिखा है कि जब तुम्बुरु नाम का वह गंधर्व माता पार्वती के कहने पर विंध्य पर्वत पे गया तो उस समय बिंदुग ने उस पर आक्रमण कर दिया, मारने पीटने लगा। तो तुम्बुरु नाम के गंधर्व ने एक पेड़ से इसको बांधा और बांध करके 7 दिन 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनाई। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अब कुछ लोग होते हैं ना भाई, दवाई को चम्मच से पिला तो पी लेते हैं, तो कुछ बच्चों को 2-4 लोग पकड़ेंगे बांधेंगे तब पीते, पीना तो पड़ेगी महाराज, पीना तो पड़ेगी। अब आप कैसे पीना चाहते हैं ये आपके ऊपर, आप कैसे पीना चाहते हैं। अब ये पीना नहीं चाह रहा था भगवान की कथा को, तो तुम्बुरु नामी गंधर्व ने बांधा और बांध करके 9 दिन शिव महापुराण की कथा को सुनाया और अंत तो गत्वा हुआ ये कि उस बिंदु के सारे बंधन खुल गए, मृदंग बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, आकाश से देवता लोग इसके वाह वाह करने लगे। और जैसे ही सारे बंधन खुल गए महाराज, बिंदु के बंधन खुले, शंकर जी का सुंदर विमान आया, इसने भी जटाओं को धारण किया, शंकर जी के समान से सुंदर त्रिपुंड धारण किया और उस विमान में बैठकर अंततो गत्वा भगवान शिव के धाम को चला गया। बोलिए शिव महापुराण की जय। और दोनों मिलकर के आज तक भगवान बिंदुक और चंचुला का चरित्र है कि ये दोनों मिलकर के आज भी भोलेनाथ माता पार्वती की सेवा। ऐसे भोलेनाथ की दिव्य कथा जिसका नाम है शिव महापुराण, ऐसे शिव महापुराण की कथा। और यहां जब सबसे पहले बिंदुग ने विमान में से शंकर जी को देखा ना, तो मेरी बात ध्यान सुनिए, आपने शंकर जी को अभी तक कैसा देखा है तस्वीर में भी, कि पूरे शरीर पे भस्म लगाई है, मुंडों की माला पहने हैं, गले में नाग है और केवल वस्त्र के नाम पे मृगशाला दिगंबराए हैं, मृगशाला धारण की है। लेकिन शिव महापुराण में जो पहला दर्शन भोलेनाथ का कराया गया है, ध्यान से सुन लीजिए, इसी शिव महापुराण में जब बिंदुग ने सबसे पहले भोलेनाथ को देखा तो सुंदर वर्णन करने लगा। अब इसका दर्शन करने के लिए 2 मिनट आंखें बंद करो फिर और फिर सुनो तो तुम्हें वो भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा। कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वलंकार धारिण शित भस्म लसत देहम शीत वस्त्र महोज्वलम। कैसे दिख रहे थे शंकर जी अपनी आंखें बंद कर, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ माता पार्वती के संग बैठे हैं और पार्वती जी परम सुंदर शोभायमान हो रही है पूरे श्रृंगार में और भोलेनाथ ने मृगशाला नहीं पहनी आ रही। जो बिंदुग ने दर्शन किया तो सफेद दूध की तरह भगवान शंकर ने धोती पहनी है, उस धोती में सुनहरा गोटा लगा हुआ है। और जो शंकर जी केवल मुंडों की माला पहनते थे, आज इस धरती पर जितने भी पुरुषों के लिए आभूषण और गहने बनाए गए हैं सब शंकर जी ने धारण करे हैं महाराज।
और ऐसे भगवान शंकर के गले में जो नाग है उसके मस्तक पर मणि चमक रही है, सुंदर भगवान के सुंदर कुंडल चमक रहे हैं, और ऐसे भगवान पूरे शरीर पर भस्म धारण किए हैं, और कैसे चमक रहे हैं, बिल्कुल कपूर के समान दिख रहे हैं। कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वलंकार धारणम सित भस्म लसदेहम सित वस्त्रम महोज्वलम। बिंदुक ने जाकर के पहले 100-100 बार दंडवत प्रणाम किया भोलेनाथ को। शंकर जी के मंदिर में जाएं तो पुरुषों के लिए है कि दंडवत प्रणाम शंकर जी को जरूर करना चाहिए, और माताओं को माथा टेक के प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम की भी सुंदर महिमा है, कल की कथा में प्रणाम का महत्व और प्रणाम की सही विधि आपको बताएंगे कि मंदिरों में सही प्रणाम करना कैसा चाहिए, कौन सी दिशा से करना चाहिए। शिव पुराण में मुझे तो ऐसा लगता है कोई विषय नहीं है जो छूट जाता है, सब विशेष में आ जाता है। यहाँ शिव महापुराण में चंचुला और बिंदु की कथा सुनाई, और आगे आज की मंगलमय कथा को हम कुछ ही देर में विश्राम करेंगे। प्रथम दिवस में शिव महापुराण की महिमा बताई गई। अब बताइए, होगा संसार में इतना बड़ा कोई पापी जैसे चंचुला बिंदु और देवराज थे? इन्होंने भी भूलवश भगवान की कथा का आश्रय ले लिया तो इनका कल्याण हो। तो विधिवत पूरे मन से, पूरे वचन से, पूरे कर्म से जो भगवान शिव की सेवा में लगे हैं तो क्या भोलेनाथ उनको दर्शन नहीं देंगे? तो काय को इधर जाना अपने भोले बाबा को छोड़कर। शिव महापुराण की सुंदर कथा में आगे कुछ अध्याय में शिव महापुराण की विधि बताई गई है, ध्यान से सुन लीजिए। जो मुख्य यजमान है इनको तो विधि विधान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। शिव महापुराण में लिखा है, शिव महापुराण के जो यजमान रहे हैं उनका सबसे पहला नियम यह है कि उनको शंकर जी में निष्ठा हो, शंकर जी के प्रति अगाध निष्ठा हो। तो शिव महापुराण के सबसे पहले अधिकारी वो है, क्योंकि शंकर जी का तो नाम ही है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी का तो नाम ही विश्वास। यजमान के लिए नियम बताया गया है कि जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दिन का तो यह नियम होना चाहिए। देखिए, जैसा नियम श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में ऐसे ही शिव पुराण में, लेकिन शिव महापुराण में थोड़ा सा एक अंतर यह है कि इसमें लिखा है विवाहे तादृशम चित्तम, और भागवत में लिखा है विवाहे तादृशम वित्तम। जैसे अपनी बेटी की विवाह में पैसा खर्च करते हैं ऐसे ही भागवत में खूब खुल करके खर्च करके उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन शिव पुराण में लिखा है ठीक है धनवन खर्च करो वगैरह ठीक है, लेकिन विवाहे तादृशम चित्तम, जैसे अपने बालक बालिका के विवाह में खूब मन से उस कार्यक्रम को करते हैं उससे भी ज्यादा कहीं मन से शंकर जी के उस कार्यक्रम को करना चाहिए। विवाहे तादृशम चित्तम, आपका चित्त लगाइए, तनमे मनः शिव संकल्प मस्तु। यजमान के लिए नियम तो वैसे यह है कि 7 दिन बिना कुछ खाए पिए कथा सुननी चाहिए, लेकिन बोले महाराज ये तो संभव नहीं है, कलिकाल में संभव नहीं है, तो या तो फिर दोनों समय फलाहार लेकर कथा सुननी चाहिए। ये भी संभव ना हो तो एक समय भोजन एक समय फलाहार, ये भी शरीर से नहीं बनता हो तो दोनों समय भोजन कर ले, ये भी नहीं बनता हो तो पुराण में तो इतना लिखा है कि आप अगर एक दिन में 2 बार भोजन करते हैं ना प्रेमियों, और शिव पुराण चल रहा तो 4 बार कर लो, भोजन का कोई नियम नहीं है। देखो कैसे खुश हो गए 4 बार का हाथ, बोलो जय श्री हरि। हाँ, 8 बार भोजन कर लो, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है भोजन का कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम यह है कि कथा सुनना है। भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, आप अगर एक समय फलाहार ले रहे हैं और दिन भर भूख आपको सता रही कथा सुनने मन नहीं लग रहा तो ऐसे फलाहार का कोई मतलब नहीं, बढ़िया चकाचक भोजन करके बैठो। इसलिए कथा का समय 2 बजे रखा गया, 1:30-2 बजे कि 12 बजे 1 बजे भोजन हो जाए, ठंड का समय चाय वाय वगैरह के 2 बजे आ जाओ, फिर भी कहां आते आप, 3 बजे तक तो दिखते ही नहीं है। और शिव महापुराण की कथा पूरे मन से करना चाहिए। इसमें एक नियम यह जरूर है कि शिवार्चन नित्य करना चाहिए। जो शिव महापुराण के प्रधान श्रोता और यजमान बने हैं इन्हें शंकर जी का कम से कम 16 मंत्रों से अभिषेक तो नित्य करना चाहिए, और शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। मांस लहसुन प्याज मदिरा इन सबका सेवन नहीं करना चाहिए, गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए, मलेच्छों से संभाषण नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित स्थानों पर रहना चाहिए, वैसे तो भूमि पर शयन करना चाहिए, नहीं तो भूमि पर ही चटाई या गद्दा डाल के चारपाई का त्याग करना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण करें या किसी भी पुराण का नियम लें। शरीर में चमड़ा नहीं धारण करना चाहिए, नदी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, यह सब नियम होना चाहिए शिव पुराण।
श्रोता के लिए नियम बताए गए हैं, वक्ता के लिए नियम तो यही बताए गए हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसकी निष्ठा भगवान शंकर के चरणों में खूब हो, जो शास्त्रों को ही सब कुछ मानता हो, जो सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल निष्ठावान हो, ऐसे वक्ता होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि राम जी की कथा कर रहे हैं और पीछे राम जी यही गाली दे रहे हैं। हाँ, ऐसे भी वक्ता भारतवर्ष में, नाम नहीं लूंगा लेकिन है बड़े बड़े वक्ता कि राम जी की कथा करते हैं दिन में और रात में राम जी के विषय में गालियां सुनते हैं। कहां अभी सब मिल रहा, भगवान के प्रति अगाध निष्ठा हो श्रोता वक्ता, और पूरे नियम से भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, उनकी दिव्य कथाओं को सुनना चाहिए और जो कथा में सुने उन सब चीजों को जीवन में धारण भी करना चाहिए। यह शिव पुराण का श्रेष्ठ फल बताएगा। शिव पुराण के श्रोताओं के लिए एक बात बताई गई है, मैं तो हर कथा में कहता हूँ कि वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवत का जो विधि विधान बतलाया बहुत लंबा चौड़ा बताया, और उसमें भी जो रह गया ना वो शिव पुराण में बता दिया। बचा कुछ यहाँ लिखा है, कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन यंत्र ये न रहा, जो मनुष्य कथा सुनते सुनते बीच में उठ के कहीं चला जाता है, विशेषकर प्रधान यजमान और प्रधान श्रोता के लिए बताएगा। कई बार होता ना कि अब हमको तो व्यवस्था देखना है, कथा शुरू हो गई हमें तो व्यवस्था में समय निकल जाएगा, कथा का समय ऐसा रखा गया है। और वास्तविक कथा का समय पहले होता था सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कथा होती थी, या 9 बजे से 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद भोजन प्रसादी करिए कराइए, 1 घंटा विश्राम करिए, स्नान करिए, फिर 4 से 7 कथा होती थी। दो समय के प्रवचन का नियम है पुराणों में। आप तो हम लोग तो आप और हम तो वही क्षेत्र के हैं, शिवपुरी ग्वालियर अपने क्षेत्र, आगरा और ऋषिकेश वृंदावन मथुरा, हमारे क्षेत्रों में कथाएं होती है 2 समय, 3-4 घंटा सुबह 3-4 घंटा शाम। तो कथाओं का नियम है वैसे ये है, लेकिन फिर भी अब शरीर में प्रमाद है, कलियुग है और शरीर से अधिक बनता नहीं, तो सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद कथा में बैठना चाहिए, और कथा में बैठने के पश्चात तब तक नहीं उठना चाहिए जब तक कथा की आरती और प्रसादी नहीं हो जाए। क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज सत्यनारायण भगवान की कथा में कलावती लीलावती कथा जानते हो ना, प्रसाद छोड़कर गई थी तो पति को पानी में नाव सहित डुबो दिया, फिर निकाल भी लिया था, लेकिन काय को डूबना फिर निकलवाना, तो उससे अच्छा डूबने का काम ही मत करो जो निकलने का बोलना पड़े, तो अपने डूबना ही नहीं है क्यों, पूरी कथा सुनेंगे और ठंड में डूबोगे तो फिर ठंड तो निकलने के बाद भी लगेगी। बोलो जय श्री हरि। खैर ये तो इतर विषय है, कथा का नियम यह है कि पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे निष्ठा भाव से, त्रिपुंड धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके, पूरे मन वचन से कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जो लोग बीच कथा में से उठकर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में लिखा है कि कथायाम कथ्यमानायाम, कथा सुनते सुनते बीच में से ही कथा को छोड़कर जो लोग चले जाते हैं, तो भगवान शंकर के गण उनके जन्म जन्मांतर की स्त्री और संतान की आयु का हरण कर लेते हैं। जो लोग कथा सुनते सुनते तांबूलम भक्षयन्तो ये श्रवन्ति माम कथा न रहा, जो लोग भगवान की कथा सुनते सुनते बीच में तमाकू सेवन कर लेते हैं, हाँ पान खाते रहते हैं बीच में, तांबूल का अर्थ तो यही होता है ना माता, पुंगी फल तांबूलम। एक जगह हम कथा करने गए थे, सेमरी हरचंद है यहाँ, हम कथा करने गए तो पहला दिन भागवत कथा हुई, कथा हुई शुरू हो रही थी, तो मैं पहली बार गांव में कथा करने गया, तो ये जो लोग आते हैं ना अपने नर्मदापुरम में, सेमरी हरचंद की सब्जी सबसे बढ़िया आती ताजी, तो वो सब पहचान वाले तो थे, उन्होंने सब्जी वालों ने काशी उन्हें कथा कराई, बड़ा सुंदर अच्छा आयोजन बहुत भाव से उन्होंने किया। तो जैसे ही कथा हुई महाराज, तो वो एक ट्रे लेकर आ गए छोटी सी, उसमें 4 खंड थे, एक में लगी थी सुपारी, एक में लौंग, एक में इलायची और एक में तमाकू, तो छोटा सा सरों था। बोले महाराज जी वही उन्होंने पुराण पे रख दिया, हमने ले हटाओ ये क्या है। बोले महाराज जी हमारे यहाँ तो कथा होती है तो पहले वक्ता के लिए 1 किलो तमाकू और 1 किलो सुपारी आती है, पूजन में तो आपने लिखी नहीं, और शिव पुराण में लिख रहे हैं ये कथा सुनते सुनते, आप चाय पीते पीते कैसे कथा सुन सकते हैं प्रेमियों, आप कॉफी पीते पीते कुर्सी पे पैर पे पैर फंसा करके कथा कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि आपके सामने जगत के पिताजी बैठे हैं और आप यहाँ कुछ भी कैसे कर सकते हैं, तो पूरे अनुशासन में कथा सुननी चाहिए। तो वेदव्यास जी को चिल्लाना पड़ रहा है यहाँ शिव पुराण में कि सुन लो कि तांबूलम भक्षयन्तो ये श्रवन्ति माम ये न रहा, जो मनुष्य कथा सुनते सुनते बीच में तम्बाकू का सेवन करता है, पान का सेवन करता है, तो अगले जन्म में या अगले लोक में क्या करते हैं, बोले यम के दूत उसे उसकी ही विष्ठा खिलाते हैं, 100 करोड़ वर्षों तक नरक में डाल के रखते हैं, उसी की विष्ठा खिलाते हैं। और खाओ कथा, आगे लिखा गया है जो लोग कथा सुनते सुनते कथा की निंदा करते हैं, हाँ होते हैं ऐसे, आप कई लोग तो कथा सुनने आते हैं बड़े भाव से, भैया कथा सुन ले शंकर जी, तक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सुन के तो आए पंडित जी को कितना आता है
कथा की भी लोग निंदा करते हैं। अभी मैं अभी की घटना बताऊं, नाम नहीं लूंगा। अभी हमारे एक वृंदावन से महाराज जी आए थे, श्री श्री 108 श्री महंत श्री शिवराम दास जी महाराज, और सत्संग भवन है सेठानी घाट पर। तो महाराज जी की इच्छा हुई, जब मैं वृंदावन में था उस समय मेरी कथा चल रही थी वृंदावन में, तो कार्तिक महीने में कथा थी, और हम मिलने गए बाबा से, उनको हम भंडारी बाबा कहते थे, हमारे आश्रम के भंडारी बाबा थे, बहुत सरल संत। उन्होंने हमसे कहा कि पंडित जी महाराज, हमने कहा, बोले हमको नर्मदा जी को कथा सुनानी है, एक कथा हमको नर्मदापुरम में करनी है, तो हम कथा कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल करिए, मेरी क्या सेवा लगेगी। उन्होंने कहा बस आप उपस्थित रहना, वो कार्यक्रम हो जाएगा, आप वहां शहर में रहते हैं सब जानते हैं, तो आप बस रहना उस कथा में। क्योंकि उन्होंने कहा नहीं था कि मुझे कुछ पैसा देना भी देना है, कुछ जो भी है। हुआ ये कि जो लोग उनकी कथा कराने वाले थे वे आगे पीछे कुछ हो गए, तो उन्होंने निवेदन किया, तो हमारे यहाँ पूज्य महाराज जी के कुछ शिष्यगण हैं, उन्होंने कहा अपन मिलकर कथा करेंगे, तो उस कथा के मुख्य यजमान हम ही बने। अभी ये वो कथा करके हम आपकी कथा में आ रहे हैं। उस समय दो कथाएं हमारी थी यहाँ बुधनी के पास और जनकपुरी जनवासा के पास, दोनों कथाएं मैंने छोड़ी। मैंने कहा संत पधार रहे हैं, कथा सुनना है और यजमान बनना है, पहली बार अवसर मिला यजमान बनने, उसमें हम मुख्य यजमान बन गए। ठाकुर जी ने हमको ही बनाया और हमारे साथ में सहयोगी श्री भरत भैया और अच्छे लोग सहयोगी थे। कथा हुई तो बीच में हम लोग फूलमाला लेने बाजार गए, एक भाई साहब हमको मिले, उन्होंने कहा कि सोमनाथ जी आपकी कथा हुई थी सेठानी घाट पर, बहुत विशाल आयोजन हुआ शिव पुराण का, बड़ा नगर स्तर का। मैंने कहा हाँ जी, आपके आशीर्वाद से अच्छा हुआ। बोले लेकिन शिव पुराण मैंने पढ़ा है, उसमें तो लिखा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में चारों वेद पढ़ ले उसको शिव पुराण की कथा सुनाना चाहिए, तो आप तो कितने सारे लोगों को सुना के आ गए। तो मैंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि रोड पर शास्त्रार्थ नहीं होता जी, बीच सड़क पर खड़े हो। मैंने कहा महाराज जी अभी तुम्हें मालाएं ले जा रहा हूँ, लेकिन हम कभी बैठेंगे तो भगवान की कृपा से मैं उसका उत्तर भी दे दूंगा। लेकिन उसका उत्तर देने के पहले मेरे मन में शिव पुराण में लिखा, जो लोग वेद का वाचन नहीं करते, जो लोग वेद नहीं पढ़ते, या जिनके कान में वेद के श्लोक नहीं पड़े, ऐसे अभक्त लोगों को शिव पुराण नहीं सुनानी चाहिए, भोलेनाथ ने स्वयं कहा। लेकिन वहां पे प्रश्न आता है, अगर ऐसी बात है तो चंचुला ने कौन से वेद पढ़े थे, बिंदुक ने कौन से वेद पढ़े थे, देवराज ने कौन से वेद पढ़े थे। तो यहां शंकर जी ने ही समाधान शिव पुराण में कर दिया कि इस कली काल में कोई गुण धर्म कोई जाति नहीं देखी जाती, केवल भोलेनाथ के प्रति अगर हृदय में भक्ति है तो उस मनुष्य को ससम्मान बैठाल कर शिव पुराण की कथा सुना देनी चाहिए। तो मेरा ये मतलब है कि जितने कथाएं सुनते हैं ना श्रोता, कुछ होते हैं कथा सुनने आते हैं, कुछ कमी निकालने आते हैं, कोई वक्ता की निंदा करते हैं, कोई श्रोता की निंदा करते हैं, कोई कथा में कमी ढूंढते हैं कि सब कुछ बढ़िया था महाराज, लेकिन भंडारे के दिन जो खीर बनी ना उसमें शक्कर कम थी। हाँ पूरी कथा सुन, और पूरी कथा सुन के भंडारे की खीर में कमी न थी। तो ये लिखा है उन लोगों के लिए, और विशेषकर बोलो कि आपके घर पंडित जी पूजन कराने आए और आप पंडित जी को आचार की दृष्टि से नहीं चोर की दृष्टि से देखते हैं, उनकी पूजन में कमी निकालते हैं, तो ये श्लोक आप पे बिल्कुल सूट कर जाएगा। 49वां श्लोक है जी शिव पुराण के 6वें अध्याय का महात्मा। ये निंदंती च वक्तारम कथा चैमाम सुपाविनीम, शंकर जी ही कथा नहीं किसी भी पुराण की कथा हो रही हो, और जो व्यक्ति वक्ता और कथा की निंदा करता है वह मनुष्य अगले जन्म में 100 कल्पों के लिए कुत्ता बना दिया जाता है। शिव पुराण में लिखा भुक्त्वा दुःखं जन्म शतम हिते, भौंकने वाला कुत्ता बना दिया जाता है। इसलिए कभी भी अगर कथा में सुनने नहीं बैठ सको, पूजन में सहयोग नहीं दे सको, तो उसकी निंदा मत करो। और कथा की निंदा, कथा के भक्तों की निंदा, वो भगवान की ही निंदा है, क्योंकि रामस्य नाम और रूपम च लीला धाम परायणम। देखो मैं एक बहुत ऊंची बात कहूंगा और उसके बाद आज की कथा को विश्राम करूंगा। एक बहुत ऊंची बात है लिखने लायक है। अगर आप एक बहुत साधारण सा कर्म कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत साधारण सा कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अगर पवित्र है, मेरी बात ध्यान सुन, एक बहुत साधारण सा कार्य कर रहे हैं परंतु उसका उद्देश्य बहुत पवित्र है, बहुत ऊंचा है, तो वो साधारण कर्म भी बहुत श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं परंतु उसका उद्देश्य बहुत छोटा है, किसी को कष्ट पहुंचाना है, तो वही कर्म आपको नरक भी ले जाएगा। उदाहरण के लिए आप रोजमाला करते हैं, बताओ अच्छा काम है कि बुरा? रोजमाला करिए, माला करना बहुत अच्छा काम है, साधारण सा कर्म है कि ऊंचा कर्म है? बोले माला करना बहुत ऊंचा कर्म है, लेकिन ये ऊंचा जो कर्म आपका है, ये माला अगर आप कर रहे हैं कि मेरे पड़ोसी क्या कोई मर जाए, उसका बेटा मर जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो ये माला करना भी आपको नरक में ले जाएगा। ये बात मैंने आपके हंसने की नहीं कही,
ये बात इसलिए कही है कि अगर आप एक कोई बहुत ऊंचा कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य अगर बहुत निकृष्ट है तो वह कर्म भी आपको नरक में ले जाएगा, और बहुत छोटा कर्म कर रहे हैं लेकिन वो 10 लोगों का हित कर रहा है, जैसे भागवत का एक शिव पुराण का कर्म कर रहे हैं, कथा के यजमान तो स्वयं ही बने हैं लेकिन इतने सारे लोगों को भी कथा सुनवाने का कार्य कर रहे हैं, तो यह साधारण सा कर्म भी आपको, यह कर्म अपने मन से भी लगकर उस कथा को श्रवण नहीं किया लेकिन इनमें से किसी ना किसी के कर्म से भाग्य से आप भगवान शिव के लोक पहुंच जाएंगे। हमारे साधुओं में कहा जाता है अकेला खाए हरकत और बांट के खाए बरकत, साधुओं में कहा जाता है कभी भी मिठाई अकेले नहीं खाना चाहिए और भगवान की कथा को भी कभी अकेले नहीं सुनना चाहिए। इसलिए तो सत्यनारायण भगवान की कथा होती तो पूरे मोहल्ले को बुला लेते ना, क्यों कथा सबसे मिलकर सुनना चाहिए। शिव पुराण की कथा में कहा गया ना तो कथा की निंदा कीजिए ना तो भगवान के भक्तों की निंदा कीजिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कोई और नहीं, जिस समय शिव महापुराण आपके सामने बैठे हैं समझ लीजिए साक्षात भोलेनाथ ही माता पार्वती को अपने अंक में अर्थात अपनी गोद में बिठाल कर आपको दर्शन दे रहे हैं, उन भोलेनाथ का दर्शन आप प्राप्त करिए। और शिव महापुराण में एक बात और लिखी है कि शिव महापुराण की कथा जितने श्रोता सुन रहे होते हैं वो ऊपर बैठे नीचे बैठे पीछे जितने भी बैठे उनके विषय में लिखा शिव पुराण कि जिस समय मनुष्य शिव महापुराण की कथा सुन रहा होता है तो इसके पहले वो कुछ भी हो इसके बाद कुछ भी हो जाए लेकिन जितनी देर वो शंकर जी की कथा को पूरे केवल शंकर जी की कथा में नियम है कि भोलेनाथ की कथा को पूरे मन वचन कर्म से अगर सुनता है तो उतनी देर के लिए भी वो साक्षात शिव ही हो जाता है, साक्षात भवेत शिव, साक्षात शिव जी ही बैठकर उस कथा को सुनते। इसलिए कथा में जितने लोग आते हैं आदर के साथ उनको जय श्री कृष्ण जय सिया राम आदर से, जैसे विवाह होता है तो आप कैसे दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, दरवाजे पे खड़े रहते हैं ना, बेटी का विवाह है तो पिताजी खड़े हैं बगल में, वो एक बैग होता है उसमें कुछ पैसे होते हैं और पिताजी कैसे होते हैं शादी में तो बेटी के पिताजी को कोई भी पहचान लेगा कौन, वो सफारी सूट पहने होते हैं बगल में बैग दबाए होते हैं सबको पैसे बांट रहे होते हैं और बड़ी चिंता जिनको होती है, पर कोई भी आ रहा है तो आदर करना नहीं भूलते, क्यों, क्योंकि अगर किसी का अनादर हो गया तो मेरी बेटी को कष्ट नहीं हो जाए। ऐसे ही जब कथा में सभी लोग आए तो खूब आदर करना चाहिए, खूब प्रेम से प्रसाद बांटना चाहिए और निवेदन करना चाहिए। आप कल भी आएंगे ना, आप कल भी पधारिएगा, आपको बैठने में कोई कष्ट तो नहीं, कष्ट हो तो हम आपकी सुविधा करेंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे, ये सब करें। और एक एक श्रोता को शिव जी का स्वरूप मानना चाहिए, सबसे बड़ा भंडारा तो यही है, इतने सारे लोगों को आपने भगवान की कथा बांट दी, सबसे बड़ा भंडारा तो पहले दिन से चलता है, आखिरी दिन तो तुम लोगों के हिसाब से चलता है, वो जो खाने पीने वाला है, साधुओं का तो भंडारा यही है। शिव महापुराण की कथा में सूजी महाराज ने शौनक जी को कथा सुनाई और इस कथा की विधि का सुंदर वर्णन किया और आज की मंगलमय कथा इन्हीं सुंदर प्रसंगों के साथ विश्राम होती है। और शिव पुराण की कथा में बताया गया कि कोई गृहस्थ अगर शिव महापुराण की कथा का संकल्प लेता है तो अंतिम दिन इनको हविष्य से हवन करना चाहिए या फिर खीर से हवन करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति बिना किसी संकल्प के केवल भगवान की प्रसन्नता और अपनी प्रसन्नता के लिए सुनता है तो उसे घी से हवन कर देना चाहिए, या फिर हवन ना भी करे तो केवल शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, क्योंकि शंकर जी का कोई भी पूजन है अगर विधि विधान में कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए शंकर जी के 1000 नाम को पढ़ लेना चाहिए। विष्णु भागवत जी में सुना होगा आप लोगों ने, या भागवत जी में जो अनुष्ठान जिन लोगों ने कराया होगा, इतने बड़े 18,000 श्लोकों के ग्रंथ के अनुष्ठान में कोई कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति के लिए ब्राह्मण आखिरी दिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं। ऐसे ही शिव पुराण में जब अनुष्ठान पूर्ण हो तो शंकर जी का 1000 चीजों से अर्चन करना चाहिए, 1000 बिलपत्र, 1000 अक्षत, 1000 पुष्प और शंकर जी के 1000 नामों का स्मरण करते हैं इस कार्यक्रम को प्रणाम करना चाहिए। और जिस शिव पुराण को आपने सुना है या जिस ग्रंथ की कथा आप लोग अपने घर में कराते होंगे, जो आयोजन कराते होंगे, तो नियम बना लीजिए कि जब वो कथा पूरी हो जाए 7वें दिन तो उस ग्रंथ का 1 श्लोक अपने घर में लिखवा लिया जाता है। इतना कर लीजिएगा, मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, 1 श्लोक उस ग्रंथ का लेना चाहिए। है किसी के घर में रामचरितमानस की चौपाई बाहर ही दरवाजे पर लिखी है? एक सज्जन ने हमसे पूछा था, गुरु जी मकान बना लिया 3 मंजिल, मकान का क्या नाम रखे? तो हमने कहा काय पे रखना है, बोले भगवान के नाम पे। हमने कहा भगवान का नाम मकान पे काय को रख रहे हो, भगवान का नाम तो अपने दिल में रखो ना, यहां रखो भगवान का नाम, या तो अपने जीप पर रखो तब कल्याण हो। मकान का नाम भगवान के नाम पे रख तो ठीक है, वो भी बढ़िया है, पर मुख में भी होना जरूरी है। भगवान शिव की सुंदर कथा को श्रवण करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा को हम लोग विश्राम करते हैं। आप लोगों ने बड़े भाव से कथा सुनी, लगभग मुझे तो स्मरण नहीं 3 या 4, हाँ 4 ही वर्ष हो गए शायद, 4 वर्ष के बाद यहाँ पर इस स्थान पर
और ये 96 या 97 नंबर की कथा हमारी होगी जो मैं पुनः माँ नर्मदा के तट पर सुनाने का मुझको वाणी शुद्ध करने का अवसर मुझको मिल रहा है और माध्यम इस बार हमारे श्री उपाध्याय परिवार बने हैं। बड़ी सहज और सरलता में थोड़ी देर में ही चर्चा हुई थी इस कथा की और कथा ने अपना रूप ले लिया और आप जैसे इतने सहयोगी जन इसमें जुड़ गए। श्री मनोज भैया हमको मिले तो साथ दिन हमको आपका खूब सहयोग मिलेगा ऐसी आशा है। कल की मंगलमय कथा के लिए आपके चरणों में दास का कोटिशा वंदन निवेदन है कि ठीक 1:45 बजे तक आप लोग पांडल में आ जाए करें, क्योंकि शिव पुराण की कथा ऐसी है कि आप बीच में आके सुनोगे ना बैठ के तो वो जो आखिर तक सुनोगे तो फिर वो जोड़ते ही रहोगे कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि एक वाक्य एक दिन की कथा होती है। शुरू से बैठ के आखिर तक सुनिए और पूरी आखिर के सुनिए फिर उसको तब चिंतन बनता है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक चिंतन नहीं बनेगा। अगर कोई कहे कि मुझसे चिंतन करते नहीं बन रहा तो चिंतन इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि तुमने अभी तक सुना नहीं, और ठीक से सुन लोगे तो चिंतन करने लगे। तो कल की मंगल में कथा में प्रथम संहिता जिसको कहते हैं विद्येश्वर संहिता, और विद्येश्वर संहिता की सुंदर कथा को हम लोग श्रवण करना शुरू करेंगे। और दिव्य गूढ़ रहस्य को कुछ लिखने के लिए भी ले आया करो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोगों के प्रश्न आज से ही है तो प्रतिदिन 2-3 प्रश्न ही केवल यहाँ लेकर के उत्तर उनका समाधान कर देंगे, और उससे संबंधित आपको शास्त्रीय कोई जानकारी हो, पूजन पाठ के क्रम में कोई जानकारी हो, है ना, और ये सब जानकारी आप उसमें ले सकते हैं। आइए मंगल में भगवान शंकर के नाम के साथ आज की मंगल में कथा को हम विश्राम करते हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आज तो चूंकि प्रथम दिवस था आप लोगों ने विलंब कर लिया, कल ठीक समय 9:30 बजे आपका पूजन प्रारंभ हो जाए, क्योंकि समय से और मुहूर्त से हम किसी प्रकार का समझौता नहीं कर पाते। खाने पीने में एडजस्ट हमारे ब्राह्मण कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, पर कथा के समय से और विधि विधान से समझौता हम तो नहीं करते। 9:30 बजे से आपका पूजन प्रारंभ हो जाए, क्योंकि ये देखिए प्रेमियों ये तपस्या है श्री उपाध्याय, 7 दिन आपको तपस्या करनी है और इस तपस्या के बाद आपको क्या मिलेगा 8वें दिन आप जान जाएंगे। आप अगर अपने जीवन में जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं केवल इतना ही नियम कर लें कि एक समय भोजन करके यहाँ कथा सुनने आएंगे तो अभी पूस महीने का और माघ महीने का व्रत का फल तुमको मिल जाएगा। जो साधन तुम्हारे पास है इन्हीं को नियम मान लो। हमारे गुरुजी से हमने पूछा, गुरुजी मैं कथाएं अधिक हो जाती है कई बार एक दिन में 2 कथाएं भी मुझे बोलनी पड़ती है अलग अलग जगह, समय नहीं मिल पाता है कई बार ज्यादा भजन का, तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा आपके लिए भी है कि आप लोग संगीत सेवा करते हैं हम लोग कथा सेवा करते हैं, इसी को सेवा मान के इसी में नियम जोड़ लो कि इसी को पूरी निष्ठा से विधिवत करेंगे, एक नियम बना के कि 7 दिन ये चीज छोड़ के इसको सुनेंगे। आप नहीं जानते आप किनके तट पर बैठे। सर्व तीर्थेषु यद पुण्यम, सर्व यज्ञेषु यद फलम, और सर्व वेदेषु यद ज्ञानम, तत्सर्वम नर्मदा तटे। सारे तीर्थ करने से जो पुण्य मिलेगा, सारे वेद पढ़ने से जो ज्ञान मिलेगा, सारे यज्ञ करने से जो फल मिलेगा वो केवल नर्मदा जी का दर्शन करने से मिल जाएगा। केवल कितना पुण्य आप प्राप्त कर रहे हैं आप नहीं जानते। इसलिए जितने भी श्रोता विराजमान है एक कोई नियम ले लो आज से कि ये नियम का पालन करेंगे, ये चीज छोड़ करके 7 दिन कथा सुनेंगे आपके जीवन में। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि हमारे कोई एक यजमान नहीं होते, जितनी कथा सुनने श्रोता है सभी शिव पुराण के यजमान हो जाए। तो शिव जी की कथा को श्रवण करने आते हैं, ठीक समय से अनुष्ठान हो जाए, 11:30 बजे तक आपका अभिषेक हो जाए करें नित्य, इसके पश्चात आपका भोजन प्रसादी फलार जो आप करते कराते हैं, और ठीक 1:30 बजे मुख्य यजमान यहाँ पर पहुंच जाया करें। ठंड का भी समय है, ठंड बहुत तेज भी है, अधिक ठंड है, नर्मदा जी का तट लगा है, तो सारी व्यवस्थाओं के साथ आप लोग आया कीजिए। और 5:30 तक हम लोग 3.75 घंटा प्रवचन श्रवण करके 5:30-5:15 तक प्रवचन को पूरा कर लिया करें, और ताकि अगले दिन भी हम लोग आने में समर्थ रहे। तो आप लोग कितने बजे पधारेंगे जी कल से? कौन कह रहा है 3 बजे? हाँ 1:30 बजे, तो जोर से बोला कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी
महाप्राण की दोनों हाथ पकड़ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। बोलिए उमापति महादेव की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम राम वेद स्वरूप। नमामि निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाश माकाश वासम वदेह। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान वंदेदमीयम गिरीश। करालम महाकाल कालम प्रपाल गुणाकार संसार पारम नतो। सुषारा विशंका शुगर स्फुरन्माल कल्लाल नीचारु गंगा रसद बाल वाले दुकंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्र विशाल प्रसन्नाननम नीलकंठ। दयालो मृगादीश चरमांबर मुंडमाल प्रिय शंकर सर्वनाथ भजामि। प्रचंड मृगश्च प्रगल्भ चिदानंद संतोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मर्मकारी। नयावत माना पातार विन्द भजंती हलोगे परे वानराण। नताव सुगम शांति संताप नाश प्रसीद प्रभो सर्वभूता विवास। जानामि योग जपम नैव पूजा तो सदा जरा जन्म दुखो दाताप्यमान प्रभो पाही आपन नमामि। प्रभो पाही आपन नमामि शंभो। प्रभो पाही आपन नमामि शंभो। प्रभो पाही आपन नमामि शंभो। प्रभो पाही विप्रेण हर दोषे ये बढ़ती नरा भक्तिया देशाम शंभु प्रसीदति। आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ओम चंद्रमा मन सजात चक्षु सूर्य जायत श्रोत्रादवायश प्राणश मुखादग्नि रजायत। ओम मिदगम हवि प्रजननम मे अस्त स्वीरगम सर्वगणगम स्वस्ते आत्मसने प्रजासने प्रजनि लोक सन्नवेसने गृहि प्रजा महला मे करोत्पन्नम वयोरेतो अस्मा सुधत। जय शिव ओंकारा स्वामी हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव। हर गंगे नारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन
वृषवाहन साधे ओ मर हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर भुजा दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीना रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ मर हर हर मारे। अक्षमाला वनमाला ऋणमाला धारी, बोले ऋणमाला धारी। त्रिपुरारी समुरारी त्रिपुरारी समुरारी कर कमला धारी ओ मर हर हर मारे। श्वेतावर पीतावर वागावर आगे, बोले वागावर आगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक सागे ओ मर हर हर पर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता, जग पालन करता ओ मर हर हर ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधे ओमाक्षर के माधे, ये तीनों एका ओ मर हर हर माधे। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा तिहारी ओ मर हर हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। जपत हरि हर स्वामी मनवा चित फल पावे ओ मर हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। हरदा के दारा ओ मर हर हर महादेव, हरियो हर 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 महादेव, हरियो हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणा